द प्रेयर। हाँ तो मैम, प्रेयर ऐसे है कि सवाल क्या है, सॉरी लॉ क्या है। लॉ एक है, लॉ इज वन। हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं। सवाल है, हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है, क्योंकि तो रा उस अनंत रचयिता का, उसके प्रेम, उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं यहाँ टीम्स पर या यूट्यूब पर या किसी और तरीके से, उनके दिलों को, उनके घरों को, उनकी फैमिलीज को, जिनकी वो वेल विश करते हैं, उनको, उन सब को उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी और इस लॉ ऑफ वन के ज्ञान से शुद्ध करते हैं। और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म को, इस घेरा जो हमने बनाया है लॉ ऑफ वन का और अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी का, उस नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को इसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इसके अंदर ना आ सके, क्योंकि लॉ एक है। मैम, अब आप कम्युनिकेट करें। जी, सेशन नंबर 39 मार्च 16, 1981 को हुआ था। डॉन पूछता है कि कार्ला ये सोच रही थी कि उसे जो 6 हफ्ते पहले उसने कुछ केमिकल खाया था उसकी वजह से तो उसे कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। मतलब वो अंदर उसके जलन हो रही थी ना, पेट में उसका कुछ ऐसा हो रहा होगा, कह रहा फ्रेजाइल फ्रैजाइल फीलिंग। फीलिंग, फ्रैजाइल मतलब बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रही है, शरीर थका हुआ टूटा हुआ हर वक्त। हाँ। 6 हफ्ते पहले, बाप रे, इतना ज्यादा असर होता है इसका। ओके, बोलिए पा। हाँ तो मैम, रा यहाँ पे बोलते हैं, दिस इज करेक्ट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नाउ अंडरगोइंग द मोस्ट इंटेंसिव पीरियड ऑफ फिजिकल कॉम्प्लेक्स डेबिलिटेशन डिस्टॉर्शन ड्यू टू द डबलिंग इफेक्ट ऑफ द टू इंजेक्शन। दिस इंस्ट्रूमेंट मे एक्सपेक्ट दिस एक्सट्रीमिटी टू प्रोसीड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 ऑफ योर ड्यूरिनल साइकिल। द वीकनेस डिस्टॉर्शन विल देन बिगिन टू लिफ्ट, हाउएवर नॉट एज रैपिडली एज फर्स्ट थॉट ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन गोइंग वीकनेस डिस्टॉर्शन। वो कह रहे हैं, हाँ तुम ये सही कह रहे हो। कह रहे ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी वजह से ना, इसके ऊपर दो इम्पैक्ट पड़े हैं। मतलब इसको जो भी केमिकल इसने खाया था, अब वो शायद एलएसडी की बात कर रहे हैं, एलएसडी की कह बात रहे कर रहे कि हाँ, कह रहे इसका दो इफेक्ट जाके पड़े हैं इसके ऊपर, कह रहे। और इसका जो असर है, अभी 15 से 20 दिन और लगेंगे इसका असर जाने के लिए। कह बाप रे। रहे कि उसके बाद ये जो इसको वीकनेस आ रही है ना, ये खत्म होनी शुरू होगी, मतलब ये लिफ्ट ऑफ होगी। तो उसके आगे वो कह रहा है कि बट इतनी तेजी से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, क्योंकि अभी जो वीकनेस है ये इसके अंदर थोड़ी सी बनी रहेगी कुछ टाइम तक। कह रहा है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी फॉर्चुनेट इन हैविंग अ सपोर्ट ग्रुप विच इम्प्रेसेस अपॉन इट द कॉशन नेसेसरी एज रिगार्ड दी सेशन एट दिस टाइम। दिस इंस्ट्रूमेंट इज केपेबल ऑफ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली क्लियरिंग द मेंटल इमोशनल कॉम्प्लेक्स एंड द स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स फॉर द प्योरिटी दिस वर्क रिक्वायर्ड। बट दिस इंस्ट्रूमेंट डिस्टॉर्टन टूवर्ड्स फिडेलिटी टू सर्विस डज नॉट फंक्शन टू इट्स बेस्ट यूज ऑफ जजमेंट रिगार्डिंग द वीकनेस डिस्टॉर्शन ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स। डज वी अप्रिशिएट योर असिस्टेंस एट स्पेस टाइम सच एज दैट इन योर मोस्ट रिसेंट डिसीजन मेकिंग नॉट टू हैव अ वर्किंग। दिस वॉज द अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड द गाइडेंस गिवन दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज हेल्पफुल। वो कह रहे कि ये इसकी किस्मत है, मतलब ये फॉर्चुनेट है कि तुम दोनों इसके साथ हो, क्योंकि तुम लोगों का जो प्यार और प्रेम इसके साथ बना हुआ है ना, उसकी वजह से एक तुम काफी सावधानी से इसको ट्रीट कर रहे हो, मतलब सावधानी से चल रहे हो इस चीज को लेके। कह
कह रहे कि ये जो कार्ला है ना, इसका मेंटल मतलब दिमाग और इमोशनल लेवल पे अगर इसको देखा जाए ना, और इसका स्पिरिचुअल लेवल पे भी इसको देखा जाए, तो उसके अंदर ये चीज है कि हाँ, इसके लिए इन सबकी शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। कह रहे लेकिन उसकी जो इच्छा है ना दूसरों को सर्विस करने की, दूसरों के लिए इस काम को करने की, कह रहे वो इसकी वजह से जजमेंट में आ रही है उसकी। वो उसके बारे में ही सोचे जा रही है, नहीं मुझे दूसरों के लिए ये इन्फॉर्मेशन चैनल करनी ही है, करनी है, कह रहे। तो वो उस वजह से उसका जो टोल है वो जाके उसके ऊपर पड़ रहा है, और इस वजह से वो कमजोर महसूस कर रही है। कह रहे इसीलिए हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को कि तुम लोगों के जो डिसीजन तुम इस समय इस जगह पर जो ले रहे हो ना इस वक्त, कह रहे वो सही है कि अगर इस तरीके की चीज हो, और अगर वो थकावट इस तरीके की या अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रही है, तो इस तरीके की वर्किंग मतलब ये कॉन्टैक्ट वाला काम तुम ना करो तो अच्छा है। कह रहे तुमने पहले भी इस तरीके के जो डिसीजन लिए हैं ना, वो बड़े अच्छे डिसीजन और बड़े सही डिसीजन लिए हैं, और इसकी वजह से इसको काफी बढ़िया गाइडेंस मिल रही है कार्ला को। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। इज देयर एनीथिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट कुड डू इन एडिशन टू व्हाट शी इज अटेम्प्टिंग टू डू, मतलब वो जो करना चाह रही है या जो कोशिश कर रही है करने की, चैनलिंग जैसे राह की करने की, तो क्या उसके लिए कुछ और है जो वो कर सकती है जिससे वो जल्दी ठीक हो सके? आई नो दैट शी हैजंट बीन एबल टू एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ अ फुट प्रॉब्लम, उसे बहुत दिनों से पैर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो एक्सरसाइज तो कर नहीं पा रही और ना चल पा रही है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी चलने लगेगी। पर इसके अलावा क्या कुछ और चीज़ वो कर सकती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए और रिकवर कर जाए LSD के इफेक्ट से? तो वो कहते हैं, एज वी हैव इम्प्लाइड द नेगेटिव एंटिटीज आर मूविंग ऑल स्टॉप्स आउट टू अंडरमाइन दिस इंस्ट्रूमेंट एट दिस टाइम। दिस इज द कॉज ऑफ द अफोर मेंशन प्रॉब्लम विद द पेडल डिजिट। इट इज फॉर्चुनेट दैट दिस इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रेटली इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटेड थ्रू द वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेक्रेट कॉम्प्लेक्सेस सॉन्ग। हाँ, कॉम्प्लेक्सेज ऑफ सेक्रेट सॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड। The more active physical existence, both in the movements of the exercise and in sexual sense, are helpful. However, the requirements of this instrument toward distortion towards what you would call ethics have an effect upon this latter activity. तो यहाँ पे राय ये कह रहा है कि देखो, जैसा कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था, जो नेगेटिव एंटिटीज यानी ओराइन ग्रुप के जो लोग हैं या उनकी जो एंटिटीज हैं, कह रहे वो पूरी ताकत लगा रहे हैं इस वक्त इसको दबाने के लिए, कार्ला को दबाने के लिए कि ये इस काम को ना कर पाए। कह रहे तो वो हर तरीके से इसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कह रहे कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका इम्पैक्ट जाके, क्योंकि वो ओराइन ग्रुप उसे अटैक कर रहा था, तो उसके पैर पे जाके पड़ा, वहां पे उसको दिक्कतें होनी शुरू हुई। और मैम आज भी देख लो, ग्रुप में काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बट कोई नहीं है, चली जाएंगी, टेंशन मत लेना। अभी वो बता रहा है, उसका तरीका भी बता रहा है। कह रहा है ये किस्मत है कि ये जो कार्ला है ना, क्योंकि इसे वर्शिप मतलब उस वन इन्फिनिट क्रिएटर की, उस एक रचयिता का प्रेम और उसके प्यार में जो वो करती है ना, उसकी भजन पूजा गाती करती है, एक तरीके से भजन गाती है, जो कह रही उसकी वजह से, कह रहा है उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ रहा है इसकी वजह से। कह रहा है कि जितना मतलब फिजिकल जो काम करने की कोशिश कर रही है, जो एक्सरसाइज वगैरह करना चाहती है, कह रहे ये चीजें सही रहेंगी इसके लिए। और एक चीज और, जो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है अगर वो भी करती है अगर ये, तो वो भी काफी फायदेमंद रहेगा उसके लिए। कहता है कि हालांकि हम तुम्हें बता दें, इसने अपने आप को जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसको इसलिए रोक रखा है अपने आप को, क्योंकि ये जो तुम्हारी धरती पे बनाए हुए जो तुम लोगों ने एथिक्स है ना, कि ऐसा कर और ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, कह रहे उस वजह से इसने अपने आप को रोक रखा है। कह रहे अगेन, इट इज फॉर्चुनेट दैट दिस इंस्ट्रूमेंट हैज द अपॉर्चुनिटी फॉर लविंग। मैम यहाँ सोशल इंटरकोर्स लिखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं। कह रहे कि अगेन, इट इज फॉर्चुनेट दैट दिस इंस्ट्रूमेंट हैज द अपॉर्चुनिटीज फॉर लविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विच आर ऑफ सम सब्सटेंशियल बेनिफिट बेसिकली इन योर थर्ड डेंसिटी कंटिन्यूम। दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम। कह रहे ये भी अच्छी बात है कि इसको अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, इस तरीके का, इसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके का लविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये कर सकती है, जो कि काफी बेनिफिशियल रहेगा इसके लिए, मतलब इसका काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इसके लिए अगर इसका इस्तेमाल करें तो। कह रहे क्योंकि तुम्हारे थर्ड डेंसिटी में इसको करना केवल एक वक्त और एक समय का वो होता है,
ये किसी वक्त पे तुम कर सकते हो, क्योंकि मैम ये जो रा वगैरह है ना, इनका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये सारी चीजें होती है ना, इनका ऐसे नहीं चलता, इनका दिनों के महीनों के हिसाब से चलता है इनका। ये इतना एडवांस कर चुके होते हैं इसको लेके, इनका ऐसा नहीं हाँ होता कि थोड़े टाइम के लिए कि और हो गया। हाँ ये बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं ये लोग। वो बता रहे हैं ना कि वीनस पे हम लोग थे, हम तो इसी को अभी बताएगा वो, वीनस पे इसी एक्टिविटी को करते करते हम लोग आगे निकल गए थे। तो इनका महीनों महीनों सालों सालों ऐसा चलता है इनका एक बाप एक्सपीरियंस। रे। हाँ हाँ ओके। फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कंडीशन कैन यू अप्रोक्सीमेट हाउ ऑफन द लेंथ ऑफ वर्किंग दैट वी कुड प्लान इन आवर फ्यूचर वर्किंग्स। आप कार्ला की रीडिंग करके उसके हालात को जरा चेक करके आप हमें बता सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंटली और कितने समय के बाद हमें इस तरह के सेशंस और प्लान करने चाहिए, यही कह रहा है ना? फ्यूचर वर्किंग्स। हाँ मतलब फ्यूचर में क्या क्या किस तरीके से करने चाहिए हमें प्लान। तो रा कहता है कि दिस क्वेरी बॉर्डर्स अपॉन इंफ्रिंजमेंट, द इंफॉर्मेशन गिवन सेट्स अप फेयरली फॉलोवेबल गाइडलाइन। हाउएवर वी आर अवेयर दैट नॉट ओनली कैन ईच ऑफ यू नॉट रीड दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑरा एंड सो सी कंडीशंस ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स, बट ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ हैज कंसिडरेबल डिफिकल्टी पेनेट्रेटिंग द प्रिसाइज डिस्टॉर्शन कंडीशन ऑफ इट्स फिजिकल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स कॉन्स्टेंट डिपेंडेंस अपॉन इट्स विल टू सर्व। वो कह रहा है कि ये जो तुमने सवाल किया है ना, ये तुम्हारी आजादी, इसकी आजादी का उल्लंघन, जो तुम्हारी आजादी का उल्लंघन के केवल बॉर्डर पे हो तुम, जो तुमने पूछा है। कह रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो फेयर तो है, मतलब ठीक है तुम लोगों ने पूछ ली, लेकिन वो हमारे कन्फेडरेशन की गाइडलाइन के अंदर है। कह रहा है कि हमें पता है कि तुम ये कार्ला का ऑरा जो है ना उसको देख नहीं पा रहे हो, और ना ही उसकी फिजिकल कंडीशन को ढंग से समझ पा रहे हो कि क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको। कह रहे हो और कार्ला के साथ भी ये दिक्कत हो रही है कि वो भी अपने फिजिकल कंडीशन को पेनिट्रेट अपने मेडिटेशन में जाके कर नहीं पा रही है कि एक्चुअली में किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है उसको, और उसका सोल्यूशन है क्या है, कौन सा एनर्जी सेंटर ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है उसको ओपन कर सके वो। कह रहे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी इच्छा जो है ना वो इतनी तीव्र है दूसरों की सेवा के लिए कि वो अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख रही है, वो उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रही है, वो दूसरों की सेवा के बारे में सोच चले जा रही है। कह रहे देयरफॉर वी बिलीव वी आर नॉट इंफ्रिंजिंग इफ वी इंडिकेट दैट वन वर्किंग ईच ऑल्टरनेट ड्यूरनल पीरियड इन द मैटिनल आवर्स। मैटिनल आवर्स क्या होता है मैम पता नहीं। मैटिनल देख आवर्स ले। इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ शॉर्टर वर्किंग अपॉन द प्री मेटिनल पीरियड इफ डीम्ड अप्रोप्रिएट। दिस इज सो नॉट ओनली ड्यूरिंग एक दिस मिनट, पीरियड बट इन जनरल। एक मिनट, एक मिनट। वो लोग बोल रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही है, पा की आवाज नहीं आ रही है। अभी तक नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आवाज तो आनी चाहिए। मैम हमारे एंड से तो फुल है। नहीं, यहाँ पे स्ट्रीमयार्ड पे आ रही है, यूट्यूब पे वो कह रहे हैं कि कैन यू स्टिल नॉट हियर, प्लीज समबडी टेल मी। आपकी आवाज ना आने की वजह से वो शायद, क्यों नहीं आ रही? आवाज तो आनी चाहिए। ओके, एक मिनट। क्या मैटिनल? ना मैटिनल में देखती हूँ मीनिंग ऑफ मैटिनल पीरियड। सुबह, टेकिंग प्लेस इन द मॉर्निंग, सुबह ठीक का है मैम, वक्त। मुझे भी यही लगा था कि ये सुबह ही होगा, लेकिन अभी इसका क्या करूं? अभी तक आवाज नहीं आ रही उन लोगों को आपकी। मैंने यहाँ पर शेयर तो की हुई है विंडो। एक मिनट, अभी बोलना, अभी आ रही है क्या आवाज? देखो पा, अभी बोलना जरा। अब आ रही है आप लोगों को आवाज। अब बताओ, आ रही है आवाज? अब पा की आवाज आई? कोई आ रही है आप लोगों को आवाज क्या? जवाब दे तो पता चले। हेलो यूट्यूब, समबडी हेलो रिप्लाई, गाइस, कैन यू हियर पास आवाज आ रही है? वॉइस? आवाज नो नो आ रही नो, है? आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। है? आ रही है आवाज? आवाज अरे आ रही है? यूट्यूब के ऊपर नहीं आ रही है उनको। कोई यस बोल रहा है, कोई नो। नरेश ने बोला यस आ रही है, सुमन बोल रही है नहीं आ रही है, पा की तो आवाज मैम नहीं ये आ रही है, उनके एंड पे स्टार्टिंग है, से उनके नहीं आ एंड रही। पे, प्लीज, ये उनके एंड पे प्रॉब्लम है इसका, मतलब किसी को आ रही है किसी को नहीं आ सभी रही है। के हाँ
नहीं वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि नहीं सब लोगों किसी को भी नहीं आ रही है वो, उसने नरेश ने यस बोला है, मुझे नहीं पता क्यों, पर बाकी नरेश अभी भी यस बोल रहे हैं, बाकी सबकी सबको आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, एक सेंटेंस और करते हैं, फिर मुझे बताना कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 मिनट। तो मैम हाँ इसको, इस आंसर को कंप्लीट कर देता हूँ ना मैं। हाँ जी, हाँ जी कर दो, नहीं तो तो फिर यहाँ पे अगर आगे आगे, अब एक मिनट, YouTube अगर आप लोगों को तब भी पा की आवाज नहीं आई, अभी भी कह रहे नहीं आई, तो मैं ये सेशन बंद कर दूंगी और जो टीम्स के ऊपर रिकॉर्डिंग है ना वो मैं अपलोड करूंगी, फिर तब सुनना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है भाई। कोशिश कर रहे हैं हम तो, आप लोगों के लिए ही लाइव किया था। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी पा, कंटिन्यू प्लीज। 1 सेकेंड रुकना मैम। मैंने हेडफोन लगाया था, कहीं उस वजह से तो नहीं है? अब बोलो जरा। मैम मैम अब आ रही है आपको आवाज? हाँ अब बोलो, आ रही है? अरे मैंने ये कहाँ लगा दिया, एक सेकंड, 1 सेकंड, अब आई पाकी आवाज? हेलो हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? और अरे मैम ये किसी का माइक ऑन है? मेरा आवाज डबल डबल आ रहा है। नहीं, माइक मेरा ही ऑन है, तो वो मेरा, मैंने पहले हेडफोन लगाया था। अच्छा अब पाकि आप आपकी आवाज आई, वो मैंने एक्चुअली हेडफोन लगाया था ना। अच्छा 1 मिनट, पंखा धीरे करूं फिर, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आनी। अच्छा तो ये सेशन फिर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ शुरू से, क्योंकि इन लोगों ने मिस कर दिया। तो शुरू से ये हो रहा है कि डॉन पूछ रहा है रा को कि कार्ला की तबीयत खराब है, 6 हफ्तों से नहीं आ रही है। वो आ रही है, कोई आ रही है कोई नहीं आ रही है। तो डॉन रा से पूछ रहा है कि 6 हफ्तों से कार्ला की तबीयत खराब है क्योंकि उसने LSD खाई थी, मतलब उसको खिलाई गई थी, कोई आया था जिसने उसको खिला दी थी। तो वो कब तक ठीक होगी, और ये जो सेशंस वो कर रही है उसमें उसको करने की दिक्कत आ रही है। तो रा ने उसको बोला कि हाँ वो LSD खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब है और अभी 2-3 हफ्तों तक और रहेगी, और इसका असर जो है वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। और आप लोग जो मतलब कर रहे हैं ना कि सेशन थोड़े एक आध दिन रुक रुक के कर रहे हैं और उसका ध्यान रख रहे हैं, ये उसके लिए उसकी खुशकिस्मती है कि आप लोग हो उसका साथ देने के लिए। उसका पैर भी खराब था, मतलब खराब मतलब उसके पैर में भी कोई दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो वो भी मतलब उन्होंने कहा कि वो ओरायन जो है हर कोशिश कर रहा है कार्ला को बीमार करने की और उसको तकलीफ देने की ताकि वो ये सेशंस ना करे, लेकिन दूसरों की सेवा करने की इच्छा उसमें इतनी ज्यादा तीव्र है कि वो कितनी भी मुश्किलें आ जाएं वो सेशन करना नहीं छोड़ती और वो करती जाती है। रा ने ये भी बताया कि एक्सरसाइज करने में उसकी तबीयत जल्दी ठीक होगी और दूसरा सेक्स करने से वो जल्दी ठीक होगी। तो सेक्स करना वो कहता है कि आप लोगों के यहाँ दुनिया भर के रोक टोक होती है, इसके साथ नहीं करना, या इस अगर शादी नहीं हुई तो नहीं करना, प्यार नहीं हुआ तो नहीं करना, ये वो। हालांकि अगर सेक्स कर लेगी वो तो वो उसमें एनर्जी जल्दी आएगी और उसके चक्र जल्दी खुलते जाएंगे। तो वो उसने ये भी कहा कि हम उनके यहाँ जैसे पाने समझाया 6 डेंसिटी में जो एक सेशन होता है सेक्स का वो महीनों तक चलता है, जबकि धरती पे तो कुछ मिनटों या ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे की बात होती है, तो उसे करना चाहिए। तो उसके बाद उसने डॉन ने पूछा कि हमें ये सेशंस रा को चैनल करने के कितनी कितनी देर में करने चाहिए, तो वो रा ने बताया कि हम आपकी फ्री विल पे इन्फ्रिंज नहीं करना चाहते, तो लेकिन आपने जिस तरह से सवाल पूछा है हम आपको बता सकते हैं। और यही सवाल
का जवाब अभी पा दे ही रहे थे जब मैंने नोट किया कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अब आ रही है। हाँ, गॉड गेमर कहते हैं कि अब आ रही है आवाज, थोड़ी सी लो आती है हमेशा, लेकिन कोई बात नहीं। पा, यू कैन कंटिन्यू। हाँ तो मैम, इसके आगे वो बोलता है, मैम आप म्यूट पे चले जाओगे क्योंकि मेरी आवाज डबल डबल आएगी। अच्छा, एक मिनट, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूं। नहीं, क्वेश्चन नहीं, आंसर ही अभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, ओके। हाँ तो यहाँ पे फिर रा ये कहते हैं कि देखो, हमें लग रहा है कि इससे तुम्हारी आजादी का उल्लंघन नहीं होगा, तो इसलिए हम तुम्हें थोड़ी सी इंडिकेशन दे देते हैं कि तुम्हें करना क्या है, तुम क्या कर सकते हो। करना क्या है तो खैर वो नहीं बोलेगा, क्या कर सकते हो वो ये बोलेगा। तो उसने कहा है कि ये जो तुम अब सेशंस जो कर रहे हो ना, इस तरीके से करो कि तुम सुबह करो और अल्टरनेट डे पे करो, मतलब एक आज किया तो एक परसों, फिर एक, मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़ के करना शुरू करो इसको, ताकि ये धीरे 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 रिकवर होती चली जाए। कह रहे कि दिस इज नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड बट इन जनरल, वो कह रहे हैं कि केवल ये अभी के लिए नहीं कह रहे हम तुम्हें, हम तुम्हें आगे के लिए भी कह रहे हैं कि तुम एक एक दिन छोड़ के ये करो सेशन, ताकि इसकी सेहत ज्यादा खराब ना हो। अब मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ओके, तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, अब जो हम लोग पहले सवाल जवाब कर रहे थे, अब कार्ला की बात हो गई, तो अब मैं दोबारा वो सवाल शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस तरह के सवाल पूछूं जिससे हम गेट अस इनटू एन एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन ट्रांजिएंट फंक्शंस व्हिच मे बी वर्क्ड अपॉन बाय अस, वर्क्ड अपॉन बाय us and others to raise our consciousness and I may make several mistakes here. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों की consciousness, लोगों को जगाया कैसे जाए, उनकी चेतना को जगाया कैसे जाए और expand कैसे किया जाए, और मैं हो सकता है कि सवाल करने में बहुत सारे गलतियाँ करूँ, तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं ये notice कर रहा हूँ कि सब कुछ, यहाँ तक कि आम जिंदगी की छोटी से छोटी चीजें, हर चीज सात में बटी हुई है, सात मतलब चीजों में बटी हुई है हर चीज। मैं हेनरी पोहारिच की ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था, द नाइन, उसमें मुझे एक स्टेटमेंट मिला जिसमें लिखा है, एक लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि सात बार, अगर If we get seven times the electrical equivalent of the human body, then it would result in seven on of the mass of electricity. कि अगर हमें हमारे शरीर के जैसे सात गुना अगर शरीर मिलते, तो electricity नहीं मैम, नहीं, ये स्टेटमेंट मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आप म्यूट पे जाओगे प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की शरीर की ऊर्जा, उसकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर में होती है, आपको याद होगा चारों प्राइमल फोर्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होती, तो ये उस ऊर्जा की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर उस ऊर्जा को सात से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट आता है नौ, मैम सेवन ऑन ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस ऊर्जा की जो घनत्वता है ना, जो मास है, जो जहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती है, वो तो वो नौ के बराबर होगी। और मैम ये सेवन ऑन जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये शैल्डियन करके एक वो हुआ करती थी, रिलीजियस सिस्टम तो नहीं कह सकते, जब एटलांटिस हुआ करता था, एटलांटिस के टाइम पे शैल्डियन सोसाइटी भी हुआ करती थी, CHALDI माना जाता है। कैल्डियन एस्ट्रोलॉजी भी होती है, एस्ट्रोलॉजी भी होती है, और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। ये जितने एंजल्स वगैरह के हम लोग नाम लेते हैं, ये सब कैल्डियन के अंदर ये आते हैं। तो इसके हिसाब से कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा अगर सात से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नौ की बराबर आएगी, उसकी अगर सारी ऊर्जाओं की घनत्वता एक जगह कर दी जाए तो। तो कह रहे कि डॉन पूछता कि आप हमें बताएंगे इसका मतलब क्या है। तो रा कहता है, टू एक्सप्लेन दिस इज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ योर लैंग्वेज, वी शैल हाउएवर मेक एन अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस कॉन्सेप्ट।
कहता है कि इसको तुम्हारे शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको हम तुम्हें बता सकें. कह रहे एज यू आर अवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन सेटअप बाई ईच लोगोस देर आर क्रिएटेड द कम्प्लीट पोटेंशियल बोथ इलेक्ट्रिकल इन द सेंस ऑफ वट वन यू कॉल लार्सन एंड मेटाफिजिकल. दिस मेटाफिजिकल इलेक्ट्रिसिटी इज एज इम्पॉर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग शैल वी से ऑफ दिस स्टेटमेंट एज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो कह रहे हैं अगर तुम्हें याद हो हमने कहा था कि शुरुआत में ये जो लोगोज है ना सेंटर में हर गैलेक्सी के हर आकाशगंगा के सेंटर में ये जो लोगोज होता है कि जब ये क्रिएट करना शुरू करता है ना तो हर व्यक्ति हो हर हर ग्रह हो हर सूरज हो या कुछ भी हो कह रहे उसके अंदर एक पोटेंशियल एक ठहरी हुई ऊर्जा होती है उसके अंदर. कह रहे कि इसको तुम दोनों तरीके से देख सकते हो जैसे कि तुम्हारी साइंस में बताया गया है और आध्यात्मिक रूप से भी. कह रहे दोनों तरीके से तुम देख सकते हो इसको. कह रहे इन दोनों का दोनों से मिलकर ही ये बनाता है इसको भी रखता है और आध्यात्मिक रूप की जो नॉलेज होती है वो भी डालता है. कह रहे ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी आध्यात्मिक रूप वाली जो है. कह रहे ये इतनी ही मतलब इंपॉर्टेंट है समझनी जितनी तुम अपनी साइंस में इलेक्ट्रिसिटी को समझते हो. कह रहे दिस कॉन्सेप्ट एज यू आर अवेयर डील्स विद पोटेंशिएटेड एनर्जी द इलेक्ट्रॉन हैज बीन सेड टू हैव नो मास बट ओनली अ फील्ड अदर्स क्लेम अ मास ऑफ इनफाइनाइटेसिमल मेजर बोथ आर करेक्ट. The true mass of the potentiated energy is the strength of the field. This is also true metaphysically. वो कह रहे हैं ये जो concept है ना ये कहते हैं ये potentiated energy यानी ठहरी हुई ऊर्जा के ऊपर है ये. कह रहे जिसको तुम इलेक्ट्रॉन कहते मैम अब ये साइंस में घुस जाएगा चलो कोई नहीं फिर भी चलते हैं. वो कह रहे जिसको तुम इलेक्ट्रॉन बोलते हो ना कि तुम्हारी साइंस ये कहती है कि भाई उसके अंदर मास तो है नहीं. मास मतलब मैम एक तरीके का वेट ही होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी का वेट होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी का मास. मास होता है कि चीजें एक जगह इकट्ठी हो के कितना वेट बना रही है उसको आप नॉर्मल वेट में कैलकुलेट नहीं कर सकते. मास कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है. कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके अंदर कोई मास नहीं है लेकिन उसके अंदर तुम ये बोलते हैं कि उसके अंदर फील्ड्स हैं कांपती हुई फील्ड्स हैं. कह रहे दूसरे लोग ये बोलते हैं कि नहीं उसके अंदर मास है और बहुत ही कम है मेजरमेंट में. अगर तुम मेजर करने लगो उसको अगर तुम उसे नापने लगो तो बहुत ही कम है वो. कह रहे दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं. कहते द ट्रू मास ऑफ द पोटेंशिएटेड एनर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड दिस इज ऑल्सो ट्रू मेटाफिजिकली. कह रहे असलियत जो होती है ना जो इस एक जगह इकट्ठी हुई हुई जो ऊर्जा होती है ना पोटेंशिएटेड एनर्जी जो है मतलब ऊर्जा जो एक जगह इकट्ठी हुई होती है कह रहे उसका असली मास जो होता है ना वो जो फील्ड अंदर कांपती हुई होती है ना जो आप मैम आपके सामने ऐसे सोच के चलना कि आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी कांप रही है तो एक आवाज आती है ना ज़ करके वो बिल्कुल वैसी है इस वक्त. कह रहा है ये जो ट्रू मास होता है ना जो ठहरी हुई एनर्जी होती है ये उसकी उस फील्ड की स्ट्रेंथ उसकी शक्ति पर डिपेंड करती है ये. और ये अगर तुम आध्यात्मिक रूप से देखोगे तो वो भी सही है बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अध्यात्म में भी बताया गया तुम लोगों को. कहते हैं however in your present physical system of knowledge it is useful to take the mass number of the electron in order to do work that you may find solutions to other questions about the physical universe in such a way you may conveniently consider each density of being to have a greater and greater spiritual mass the mass increases shall we say significantly but not greatly until the gateway density in this density the summing up the looking backwards In short, all the useful functions of polarity have been used. Therefore, the metaphysical electrical nature of the individual grows greater and greater in spiritual mass. कह रहा देखो, जिस इलेक्ट्रॉन का तुम मास यानी जिस तरीके से तुम अपनी साइंस में इसका इस्तेमाल करते हो ना कह रहा वो उसको जानने के लिए तो ठीक है अगर तुम अपने फिजिकल यूनिवर्स को मतलब फिजिकल यूनिवर्स मतलब भाई पत्ते का मास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इसके मतलब कोई एक पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया किसी मतलब लोहे की चीज देख रहे हो उसका मास कितना हो गया किसी लकड़ी को देख रहे हो उसका मास कह रहा उसके लिए तो ठीक है फिजिकल यूनिवर्स के लिए तो ठीक है लेकिन अगर तुम्हें इसको डेंसिटीज के अकॉर्डिंगली देखना है ना कह रहा है तो इसमें ये कहता है कि ये जो डेंसिटी में इसका बढ़ना शुरू होता है ना वो इस तरीके से होता है कि ये धीरे 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 ये कंपनता बढ़ती चली जाती है. कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनता बढ़ती चली जाती है ना ये बहुत बहुत
होती तो महत्वपूर्ण है, काफी मतलब अच्छे खासे उसमें जाती है। इसकी वजह से मास भी इंक्रीज होता है, मतलब तुम्हारा जो ठोस पना जो होता है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। यार लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं होता कि जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। कह रहे लेकिन ये जो बिल्कुल गेटवे डेंसिटी यानी आठवीं घनत्वता तक जब ये पहुंचता है ना, तब ये बहुत बड़ा हो जाता है। कह रहे इन दिस डेंसिटी द समिंग अप द लुकिंग बैकवर्ड इन शॉर्ट ऑल द यूजफुल फंक्शंस ऑफ पोलैरिटी हैव बीन यूज्ड। देयरफॉर द मेटाफिजिकल इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल ग्रोज ग्रेटर एंड ग्रेटर इन स्पिरिचुअल मास। कह रहे इसलिए हम तो ये जो डेंसिटी होती है ना, जितनी तुम पीछे से मान लो तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं जितनी तुम करते चलते चले जाते हो ना, और जब तुम आखिरी में इस आठवीं में पहुंचते हो, कह रहे तब पीछे नहीं देखा जाता। पीछे तो जो तुम्हारे पोटेंशियल्स होते हैं, जो उसकी कंपनता होती है, वो काम कर रही होती है, उसके हिसाब से तुम्हारे झुकाव होते चले जाते हो, वो पोलराइज होते हो तुम कि भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये नहीं अच्छा लग रहा है। उसने पहले ही बता दिया था कि पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। पोलैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई नेगेटिव साइड में झुक गया या कोई पॉजिटिव साइड में। इसमें यह है किसी को किस तरीके का अनुभव अच्छा लग रहा है खुद के लिए और दूसरों को देना, और किसी को कैसा लग रहा है खुद के लिए करना और दूसरों को देना। कह रहे ये होता है पोटेंशियल। कह रहे पीछे नहीं देखा जाता फिर आठवीं घनत्वता में। कह रहे वहां जाके ये पूरा का पूरा इसका जोड़ हो जाता है, इसका गठजोड़ वहां पर बनता है। कह रहे कि और जब वो ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना, इसको अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में भी देखोगे तो आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना, तो ये जो तुम्हारा स्पिरिचुअल मास है मतलब कंपनता जो है तुम्हारी, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। अब मैं ऐसे सोच के चलना है, इसका जो साउंड है आपका, जो अभी करंट जो आपके बॉडी के अंदर अभी तैर रहा है, जो इस वक्त जो ऊर्जा है, वो अगर अभी ऐसी कर रही होगी ना तो उस टाइम तक पहुंचे पाते ऐसे करने लग जाएगी और तेज करने लग जाएगी, इस तरीके से होने लग जाता है ये। इसके आगे ये बोलता है फॉर एन एनालॉग वन मे ऑब्जर्व द वर्क ऑफ द वन नोन एज एल्बर्ट who posits the growing to infinity of mass as the mass approaches the speed of light. Thus, the seventh density being, the completed being, the creator who knows itself, accumulates mass and compacts into the one creator once again. अजीत कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से YouTube के ऊपर मैंने Teams पे तो mute कर दिया, YouTube पे उनको मेरी कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। अब अगर मैंने अपना YouTube पे म्यूट किया, हो सकता है कि आपको पा की भी आवाज ना आए, तो एक बार चेक करो। मैं म्यूट कर रही हूँ, अब देखो पा, आप बोलिए। मैम आवाज आ रही है अभी आप लोगों को, जरा बताना चेक करके। आई उनकी आवाज आई पा की? मैंने खुद को म्यूट किया था तो पा की आवाज आई थी क्या? जवाब दो मुझे तो मैं आगे बढ़ूं। अब क्या करूं, शाम का टाइम है, खाना तो बनना है, खाना बनाना तो नहीं। आरी आवाज, आरी आवाज, पाकी आवाज नहीं आई ना, इसीलिए मैंने। अरे यहाँ नहीं, YouTube पर, YouTube पे, यहाँ नहीं पूछ रहे, YouTube पे पूछ रहे। हाँ तो इसीलिए मैं YouTube को म्यूट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। पा गिनी मैम, प्लीज स्क्रीन भी आप शेयर कर दीजिए मैम, बुक की मैम थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है मैम। ओके मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर पा को वो क्या कहते एको होती है आवाज। अच्छा अब पा, नहीं नहीं स्क्रीन शेयर करके जो भी ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा ना और जो भी जवाब दिया ना, इसके अलावा हाँ, थोड़ा सा मेरा ध्यान बटता रहता है शाम के वक्त, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और रत्ना ने भी हाथ उठाया था, पता नहीं उसने क्या पूछना था, उसने शायद किसने कुछ लिखा है यहाँ पर। अच्छा एक बार मैम, ये बहुत लंबा आंसर है, एक बार आप सेशन देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ रहा मेरे किसी। अच्छा एक मिनट मैं इधर पूछ लूं, यूट्यूब पे पा ने जो सेशन का जवाब, ये क्वेश्चन का जो ये जवाब दिया, वो सेवन वाला जो क्वेश्चन था के कहाँ गया, हाँ ह्यूमन बॉडी इफ वी गेट सेवन टाइम्स द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी देन इट वुड रिजल्ट इन सेवन ऑन ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब लोगों को ये समझ में आया? अजीत पवार यू कैन अंडरस्टैंड? ओके आई एम आस्किंग एवरीबडी,
does everybody understand on Teams and on YouTube? Teams, does anybody have any question? तो अभी पूछ लो. ओके, नहीं है. मेरे को भी समझ में नहीं आया. नहीं समझ आया. आई नहीं भी आया. अच्छा यार, चलो हाथ उठाओ ना, ऊपर हाथ उठाओ तो पता चले. सर गरम हो गया. एक बार फिर रिपीट कर दीजिए पा. हाँ, मेरी तो बात मानोगे दीपा. अच्छा, जब मैं बोल रही थी. अच्छा, नहीं दोबारा देख लो, समझ आ जाएगा. अब बोलो. अरे मैम कंसेंसस लेना पड़ता है ना. हाँ, थोड़ा एक बार स्लोली थोड़ा समझा दीजिए. हाँ, वही मैं हमेशा कहती हूँ, राजधानी नहीं पंजाब मेल से जाओ. चलो पास शुरू से फिर से एक्सप्लेन तो... करो और आराम से. देखो मैम, एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना प्लीज. अच्छा मैम, ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी, बाकी देखते हैं क्या होता है. जी अच्छा, उसने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति की, पहले उस वाले प्रीवियस वाले पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा. उसने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति की शरीर की जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, जैसे कि आपको पता है ना चारों प्राइमल फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की भी वो बात करता है, जो कि अपने आप में इलेक्ट्रिकल होती है, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो आपके दिमाग में जाते हैं जब आप किसी चीज को टच करते हो, किसी चीज को देखते हो, किसी चीज को टेस्ट करते हो, किसी चीज को सुनते हो. तो ये सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो आपके दिमाग में जा रहे होते हैं. इसलिए जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये रियलिटी नहीं है, ये तो सिमुलेशन है. जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है ना सिमुलेशन है, ये तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना, ये आपके दिमाग के अंदर इमेजेस और ये सारी चीजें बना रही होती हैं. पहली बात तो आप ये मान लो कि ये मायाजाल है, ऐसे है, ऐसे बनाइए मायाजाल. आप केवल एक कंप्यूटर की तरह इसे डिकोड कर रहे होते हो बस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बस. अब वो आगे ये कहता है कि भाई एक व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर की जो ये ऊर्जा होती है ना, अगर इसको तुम 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलेंगे मैम, गुणा. हाँ, गुणा. 7 से अगर तुम इसे गुणा कर दोगे तो ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा 9. और वो 9 इसलिए आता है, जैसे तुम्हारे हमारी घनत्वताएं होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 का तो हो गया ऑक्टेव. ये 9 पे जाके इसलिए पड़ती है क्योंकि 8 का ऑक्टेव कंप्लीट होने के बाद 9 का नया एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है, नया अनुभव शुरू हो जाता है. 9 में आप बिल्कुल क्रिएटर के पास पहुंच चुके होते हो, और वहां से फिर आपकी एक और इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे नए ब्रह्मांड का वो लेना है, या एक नई गैलेक्सी का, या किसी नए प्लैनेट का अनुभव लेना है. वो आपकी इच्छा ही होती है. आपकी देखना, वहां जाने के बाद हर इंसान की खुद ही इच्छा हो जाती है कि यार अब यहाँ तो आ गया, क्रिएटर के दिमाग में यहाँ से सब कुछ दिख रहा है मेरे को. अब उसको देखने की वजह से वो ये सोचने लग जाता है कि यार देख तो रहा हूँ मैं, देखने में मजा तो आ रहा है, पिक्चर तो देखने में मजा आ रहा है, लेकिन कभी कभी पिक्चर का हीरो बनने में भी तो मजा आता है, हीरोइन भी तो बनने में मजा आता है. तो उस इच्छा की वजह से ना वो वहां से निकल के फिर दोबारा नए एक्सपीरियंस के अंदर चले जाते हैं उसे एक्सपीरियंस करने के लिए. लेकिन वो बहुत ही हायर लेवल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नीचे के जितने एक्सपीरियंस हो गए होते हैं ना उन, क्योंकि आप पहले ही करते हुए आ रहे होते हो, तो उनको आप कहते हो कि ऑलमोस्ट सारे मिलते जुलते हैं, तो इनको तो छोड़ो, अब आगे के एक्सपीरियंस लेता हूं. तो इस केस में ये भी हो सकता है आप हवा बन जाओ, आप आसमान बन जाओ, आप नदी बन जाओ, आप समुद्र का कोई हिस्सा बन जाओ. इस तरीके से हो जाता है फिर ये वहां जाके. तो इसमें वो सेवन ऑन का मतलब इस तरीके से समझा रहा था. आई होप अब एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा. बोलो भाई, सबको समझ में आया? ठीक है यार, अब थोड़ा तो समझ में आ गया होगा. हाँ जी, हाँ जी, या यस. ठीक है, तो अब इसके बाद का एक और सवाल था, वो पूछता है डॉन, वो तो क्वेश्चन नंबर 39.4 सवाल में वो पूछता है कि ये जो हेनरी पुहारिक था, इसका नाम बहुत बार आपने पिछले सेशंस में भी सुना होगा, कहता है कि मैं ना आजकल नोटिस कर रहा हूँ, ये डॉन नोट, क्योंकि डॉन जब ये सीख रहा था ना, डॉन ना इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था उसने, इस नॉलेज को, तो या कह लो इस विजडम को, इस ज्ञान को. तो उसने कहा मैंने नोटिस किया है कि मैं हर चीज के अंदर ना डिवीजन देख रहा हूँ 7 चीजों का. मतलब मैं रंगों को देख रहा हूँ, उसमें भी 7 दिख रहे हैं मुझे. कह रहा मैं लोगों के बिहेवियर देख रहा हूँ, उसके अंदर भी 7 तरीके के बिहेवियर ही दिख रहे हैं मुझे. इनके इमोशनल
इमोशंस भी मुझे कुछ कुछ सात तरीके ही दिख रहे हैं, उनके अंदर भी सब इमोशंस हैं। खैर अब जब से मैंने नोटिस करना शुरू किया है मुझे सात का भाग दिखने लगा है हर चीज के अंदर। कह रहे कि इसी तरीके से मैंने एक हेनरी पोहारे की एक किताब थी द नाइन, ये जो किताब थी आप लोगों को याद होगा ये नाइन वाली किताब हेनरी पोहारिक ने भी चैनल की थी जो काउंसिल के थ्रू हुई थी चैनल, और काउंसिल के जो मेंबर है जो ये सैटर्न पे जो काउंसिल सैटर्न की रिंग पे जो काउंसिल बैठी हुई है वो उसके जो मेंबर्स हैं रा ने बताया था कि वो नौ होते हैं और वो बदलते रहते हैं लेकिन मिनिमम एक टाइम पर नौ तो होते ही होते हैं, नौ मेंबर तो होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और वो सारे थॉट से भी कनेक्टेड होते हैं, नीचे से भी जितनी भी बाकी सारी जितनी वो कन्फेडरेशन के मेंबर्स होते हैं उनसे भी कनेक्टेड रहते हैं, उनके ऊपर गार्जियंस होते हैं उनसे भी थॉट से कनेक्टेड रहते हैं ताकि बीच में किसी भी तरीके का विभाजन ना हो और इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बिल्कुल खुल के ट्रांसफर चल रही हो। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि ये नाइन वाली जो किताब थी ना मैंने उसके अंदर पढ़ा था, अरे हाँ ये वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, ये वाला सेवन ऑन वाला, तो इसका जवाब तो मैंने दे दिया आपको कि भाई हाँ ये मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है। तो वो कहता है कि ये जो रिजल्ट आता है कि एक उसमें ही ये था कि भाई एक किसी के मतलब शारीरिक ऊर्जा को सात से गुणा कर दो तो नौ का रिजल्ट आता है, मास जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जो ऊर्जा बनेगी अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे सात से, क्योंकि मैम सात ही चक्र है ठीक है और सात से ही मल्टीप्लाई कर दिया। कहता है लेकिन उसका रिजल्ट का 7 × 7 49 होना चाहिए। कह रहा है नहीं लेकिन इस केस में 9 आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? तो राय इसमें अब जब ये बताना शुरू करता है ना तो वो कहता है कि देखो ये जो लोगोज है ना, लोगोज जो सेंटर में बैठा होता है हर गैलेक्सी के अंदर, कहता है उसने चीजें इस तरीके से बनाई होती है ना कि हर चीज के अंदर कंपनता ऊर्जा रहती है पर जब तक उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी ना, यानी या तो कोई चीज मतलब किसी को राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है, जब तक वो अच्छी नहीं लगेगी ना वो पोटेंशियल में नहीं आएगी, मतलब वो काम में नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक का मतलब होता है वर्क यानी काम, पोटेंशियल का मतलब होता है ठहरी हुई ऊर्जा। ठीक है, तो कहता है वो ठहरी हुई ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। काइनेटिक मतलब जब आप दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हो ना तो उसमें जो गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, या किसी भी चीज को एक चीज को दूसरी चीज के साथ जब रब किया जाता है और स्पार्क निकलते हैं ना उसमें से, कई बार होता है हमारे बाल ऐसे स्पार्क निकलते हैं, मतलब सिल्क का कपड़ा उस पर लगाओ, कभी पता नहीं लोगों ने नोट किया है कि नहीं, सिल्क का कपड़ा सिल्क के कपड़े से रब करो या बालों से अगर रब हो जाए तो बाल ऐसे उड़ने लगते हैं, निकलता है मैम, स्पार्क्स निकलते हैं ना, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हाँ जी पा, दैट वाज एन एग्जांपल, कंटिन्यू पा। अच्छा एग्जांपल था ये मैम, अच्छा एग्जांपल था ये। अब इसमें मैम एक चीज नोटिस करने वाली है कि देखो आप हाथ मलोगे तो काइनेटिक ऊर्जा हो गई, लेकिन वो ऊर्जा तो हाथों में ही है ना, ठहरी हुई है ना अभी भी, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊर्जा कहीं गई हुई है, वो इसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है जिस तरीके से तुम अपनी साइंस में देखते हो और अध्यात्म में भी देखना पड़ेगा तुम्हें कि अध्यात्म में भी ये ऊर्जा है, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे शरीर के अंदर भी ये ऊर्जा है, हर चीज के अंदर ये ऊर्जा है इसी तरीके से। कह रहे अब मैम मेरे को पढ़ना पड़ेगा अभी दोबारा। कह रहे दिस कॉन्सेप्ट एज यू आर अवेयर डील्स विद पोटेंशिएटेड एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन हैज बीन सेड टू हैव नो मास बट ओनली अ फील्ड, अदर्स क्लेम अ मास ऑफ इन्फिनिटेसिमल मेजर, बोथ आर करेक्ट, द ट्रू मास ऑफ द पोटेंशिएटेड एनर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू मेटाफिजिकली। वो कह रहा है कि देखो ये जो ठहरी हुई ऊर्जा होती है ना ये हर चीज में होती है। कह रहे जिसको तुम अपनी साइंस में इलेक्ट्रॉन बोलते हो ना मैम, आप लोगों को कई लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहा ना यहाँ पे ये चीज, क्योंकि अभी प्योर साइंस की बात कर रहा है तो किसी को समझ में आ सकता है किसी को नहीं समझ में आ सकता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे तब भी चलते रहना। तो कह रहे एक मैम अगर आप अपनी स्क्रीन पे गूगल करोगे ना इलेक्ट्रॉन, इमेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जरा दिखाना, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये लोग हम लोग सब स्कूल में कर चुके हैं बायोलॉजी क्लास में, यही है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ फिजिक्स की क्लास में, हाँ फिजिक्स। तो इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है ना
ये इलेक्ट्रॉन आपको तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर डॉट 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 ये सारे लगे हुए हैं, इसके आसपास प्रोटॉन है और ये सारी चीजें हैं, कह रहा सेंटर में एक न्यूक्लियस भी है इसके, कह रहे लेकिन इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके अंदर तो कांपती हुई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर तो कांपती हुई, जिसे इंटेलिजेंट एनर्जी भी बोलते हैं, कहते वो है, कह रहे और कुछ लोगों का तुम्हारे यहाँ पर ये मानना है कि इसके अंदर मतलब एक भयानक लेवल की ऊर्जा है इसके अंदर, इसका जो मास है, इसका जो टोटल जो वो है, क्या कहते हैं मास को कैसे बताऊं मैं, हाँ ये देखो कह रहे इस तरीके की लाइट लाइटिंग वाली है अंदर के अंदर, कह रहे तो इस और ये हर एक एक कण कण के अंदर है आपके शरीर के, कण कण के अंदर है ये जो राइट वाली इमेज है, ये बहुत बढ़िया खोली आपने, वो इस तरीके से होती है आपकी बॉडी के अंदर, कह रहे कि कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर कांपती हुई फील्ड है और कुछ का कहना है कि इसके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ही हायर लेवल की है, कह रहे कि इस केस में हम तुम्हें बता रहे दोनों ही सही हैं, इसमें ऊर्जा भी है और कांपती हुई फील्ड भी है, यही कांपती हुई फील्ड ऊर्जा को जन्म देती है, इसको समझने की जरूरत है। कह रहे द ट्रू मास ऑफ द पोटेंशिएटेड एनर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, कह रहे ये तो फील्ड होती है ना कांपती हुई इसके अंदर, कह रहे वो इस ऊर्जा को जन्म देती है, कह रहे और ये आध्यात्मिक रूप से भी बिल्कुल सच है ये बता रहा है वो, कह रहे however in your present physical system of knowledge it is useful to take the mass number of the electron in order to do work that you may find solutions to other questions about the physical universe, कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि तुम्हारे यहाँ पे इसका जो मास है, जो मास मतलब जो इसका नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, हर हर चीज का इलेक्ट्रॉन का ना मास का कैलकुलेशन नंबर अलग होता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उसको उनको पता होता है, कह रहे देखा तुम्हारे फिजिकल सिस्टम में मतलब जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, अगर तुम हाँ जो तुम भौतिक रूप से जो भी चीज, हाँ मास का फॉर्मूला ये देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 9.109 into 10 to the 10 raised to the power minus 31 relative अगर होगा तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो रहा है जाके, तो कह रहे जो मास होता है ना ये तुम्हारे यहाँ पर तो ठीक है भाई, तुम लोगों ने कैलकुलेट करके अपनी फिजिकल जो भी है, चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो चाहे बंदर हो चाहे हाथी हो चाहे तुम ही क्यों ना हो, कह रहे तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए तो ठीक है ये, कह रहे लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से तुम्हें प्रॉपर ज्ञान नहीं दे पाएगा, फिजिकल को तुम समझ में आ जाएगा तुम्हें, कह रहा इन सच अ वे यू मे कन्वीनियंटली कंसिडर ईच डेंसिटी ऑफ बींग टू हैव अ ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पिरिचुअल मास, कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं अगर तुम समझ सको ना घनत्वताओं को, कह रहे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये ही जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो तुम्हारे शारीरिक रूप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही तुम्हारी आत्मा के अंदर भी होते हैं, सब कुछ होता है एनर्जी के रूप में, कह रहे ये इसकी कंपन बढ़ती चली जाती है, उसकी वजह से जो आध्यात्मिक मास जो होता है, एक आत्मिक आध्यात्मिक मास जो होता है, कह रहे वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कंपनता बढ़ रही है उसकी, वो तेजी से कांपना शुरू कर रही है, यहाँ पर अभी हो आप धीरे धीरे कांप रहे हो, अब लोग कह रहे हैं ना कि भाई प्लैनेट अपना वाइब्रेटरी रेट चेंज कर रहा है, तो क्यों बोल रहे हैं कि भाई मेडिटेशन करना शुरू करो, वो इसीलिए अगर आपने मेडिटेशन करनी शुरू नहीं की, प्लैनेट तेजी से कांपना शुरू कर देगा, आपकी कंपनता नीचे रह जाएगी और वहां होगा मिसमैच, उस वजह से कहीं टांग में दर्द, कहीं ये दर्द, कहीं वो दर्द, कहीं ऐसी तबीयत खराब, कहीं ये तबीयत खराब, कहीं वो तबीयत खराब, और आप जल्दबाजी में करोगे कि मैं अपनी कुंडलिनी अवेक कर लूं, उस चक्कर में आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे, जबकि आपको मेडिटेशन करके इस कंपनता के साथ निकलना है साथ में, ये है यहाँ पे ये बताना शुरू कर रहा है, कह रहा इन दिस डेंसिटी द समिंग अप द लुकिंग बैकवर्ड्स इन शॉर्ट ऑल द यूजफुल फंक्शन ऑफ पोलैरिटी हैव बीन यूज्ड, देयरफॉर द मेटाफिजिकल इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल ग्रोज ग्रेटर एंड ग्रेटर इन स्पिरिचुअल मास, वो कह रहा है कि जिस घनत्वता में तुम हो ना उसमें अभी तुम पीछे मुड़ के भी देख सकते हो, अच्छा मैम आपने सोचा होगा, आप लोगों कभी बैठ के सोचना यार अपनी सोच में मैं पीछे भी जा सकता हूँ, अपने पास्ट में भी जा सकता हूँ, मैं करंट में भी हूँ, मैं आगे का भी सोच सकता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो आप लोगों ने कभी देखा है कि आप प्रेजेंट में ही रहते हो हमेशा, लेकिन पीछे का भी जा सकते हो आगे भी जा सकते हो, वो इसी कंपनता की जो एनर्जी फील्ड है ना उसी की वजह से होता है कि आपकी सोच इधर भी चली जाती है और उधर भी चली जाती है, इसलिए कहते हैं कि थॉट से ज्यादा पावरफुल पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है, यही बताने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर। कह रहे कि देखो जब जैसे जैसे घनत्वताएं आगे बढ़ती चली जाती है ना, ठीक है, ऑल यूजफुल फंक्शन ऑफ द पोलैरिटी हैव बीन यूज्ड, कह रहे जैसे जैसे तुम्हारी घनत्वता होगी वैसे वैसे तुम्हारा ये जो ठहरी हुई है जो ऊर्जा है इसका इस्तेमाल होना शुरू होगा, कभी तुम्हें ये अच्छा लग जाएगा, कभी तुम्हें वो अच्छा लग जाएगा,
कभी तुम्हें यहाँ जाना पसंद आ जाएगा, कभी तुम्हें वहां जाना पसंद आ जाएगा, कभी ये करना पसंद आ जाएगा, कभी वो करना पसंद आ जाएगा। कह रहे इस तरीके से ये पोटेंशियल इधर उधर झूलते रहते हैं तुम्हारे, कह रहे और जैसे जैसे तुम घनत्वताओं में निकलते जाओगे उस तरीके से ये कंपनता तेज होती जाएगी, इसका स्पिरिचुअल मास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी तरीके से इसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। पोटेंशियल यानी वो ठहरी हुई ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी, उसकी कंपनता भी बढ़ती चली जाएगी, और इसी से तुम्हें नए 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 अनुभव मिलने शुरू होंगे। इसके आगे वो ये कहता है, फॉर एन एनालॉग वन मे ऑब्जर्व द वर्क ऑफ द वन नोन एज एल्बर्ट आइंस्टाइन हु पॉजिट द ग्रोइंग ऑफ टू इन्फिनिटी ऑफ अ मास एज दिस मास अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट द सेवेंथ डेंसिटी बींग द कंप्लीटेड बींग द क्रिएटर हु नोज इटसेल्फ accumulates mass and compacts into the one creator once again. कहता है कि अगर तुम जानना चाहो, ये तुम्हें साइंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम समझना चाहो तो तुम अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसको देख सकते हो एक बार को। उसका कहना ये है कि ये जो मास है ना मैक्सिमम तब हो सकता है जब वो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर ले। ये जो ऊर्जा है, ये जो मास है जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, कह रहे तब सबसे ज्यादा हो सकती है जब वो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर ले। ये तुम्हारे एल्बर्ट का मानना है, कह रहे इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं सातवीं घनत्वता में पहुंचोगे ना जब तुम, तो तुम्हारी कंपनता इतनी तेज हो चुकी होगी कि तुम अपने आप को एज अ क्रिएटर देखने लग जाओगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम ही क्रिएटर हो। और जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम क्रिएटर हो, तब तुम उस वन इन्फिनिट क्रिएटर के अंदर मर्ज हो जाओगे। सातवीं घनत्वता के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं और क्रिएटर, और क्रिएटर और मैं, हम दोनों ही एक हैं। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दें, आप लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दी जब हम Q&A सेशन कर रहे थे, और ज्योति राणा मैम ने एक चीज बोली थी कि मैंने वो अनुभूति की है, मैं वहां पहुंची हूँ और जब मैंने देखा कि क्रिएटर वहां पे, वो तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने सेवंथ डेंसिटी का एक्सपीरियंस यहीं बैठे बैठे ले लिया इस वक्त। इसीलिए ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है उनके केस में कि वो यहां से सीधा, अब जो उनका ट्रांजिशन हो, सीधा ही क्रिएटर में हो जाए उनका, कि उन्होंने अपने आप को और क्रिएटर को दोनों को एक ही जगह पे देख लिया और उन्हें पता चला ये क्रिएटर मैं ही हूं। क्रिएटर ने जो माया जाल बनाया वो इस तरीके से बनाया है कि जब मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाओगे ना, जब आप उस लाइट की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, वो एक टनल की तरह होगी, आप उसके अंदर जाते रहोगे, अंत में जब उस टनल से आप बाहर निकल के आओगे ना, बिल्कुल एक नलका होता है ना, नलके से जैसे पानी निकलता है वैसे ही निकल के आप जैसे ही अपने ऊपर देखोगे ना, आप कहोगे अबे यार ये तो मैं हूं, ये तो क्रिएटर मैं हूं। आपकी हालत खराब हो जाएगी उस टाइम पे, लेकिन इसको जोर जबरदस्ती मत करना कि हाँ जी मेरे को तो पता चल गया मैं हूं। नहीं, इसका अनुभव लेना होता है। जब आप इसका अनुभव ले लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वाह यार क्रिएटर ने क्या सही बनाया है, ये सारी जितनी चीजें मेरे आसपास चल रही है सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ, सारे इवेंट, सारी चीजें, सब कुछ मैं ही हूं। तब जाके आपको पता चलता है ये। इसका मतलब आगे चलते, इसका मतलब मैं जो लोगों को कहती थी कि पता नहीं ये इंसान खुद को भगवान समझता है, ये क्या मतलब किस तरह से बिहेव करता है, तो वो भगवान जो खुद को समझ रहा है वो गलत तो समझ नहीं रहा। मैम देखो, खुद को भगवान समझना और भगवान के बनाए हुए इन लॉज के ऊपर चलना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन लॉज के ऊपर चलकर इंसान दो रास्तों पे जा सकता है, या तो दूसरों की सेवा में या अपनी अपनी सेवा में, लेकिन क्रिएटर दोनों है, ये ट्रुथ है। थर्ड डेंसिटी में जो इंसान खुद को समझता है ना भगवान, वो कभी सर्विस टू अदर्स नहीं करते, सर्विस टू सेल्फ में ही ज्यादा होते हैं। खैर, मैम जो अपने आप को भगवान समझ ले, हाँ चलो ठीक है आगे चलते। अगला सवाल डॉन करता है, तो इसका मतलब इक्वेशन में जो मेरे पास है यहाँ पर, एम आई स्पिरिचुअल मास हुआ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब ये इक्वेशन समझना जरूरी है क्या पा? नहीं तो वी कैन स्किप इट, मेरे दिमाग में ये फिजिक्स नहीं जाता। मैम देखो, ये फिजिक्स उन लोगों को समझ में आ जाएगी जिन लोगों ने साइंस का बैकग्राउंड है, जैसे हमें तो समझ में आ जाती है, तो इसका स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये विरल जी से पूछना, विरल जी को पता होगा। जिन लोगों को समझना है उनके लिए तो समझाई थी। हाँ समझा दीजिए प्लीज।
अच्छा ये जो यहाँ पे डॉन का सवाल था, तो इस इक्वेशन में जो अभी आपको दिख रही है ना, यहाँ पे एम आई इज इक्वल टू एम नॉट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वेशन है सिंपल, वो कह रहा है कि तो इसका मतलब जो आइंस्टाइन ने जो वो बनाई थी, जो इक्वेशन बनाई थी, उसमें एम आई क्या स्पिरिचुअल मास है, वो यही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो आपको इसके टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस वैसे वैसे बता देता हूँ इसके अंदर m का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, ऐसे। यहाँ पे वो ये कह रहा है m i का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल मास, जो वो कंपनता वाली जो वो है ना एनर्जी, जो ऊर्जा है वो, उसकी बात हो रही है एनर्जी फील्ड m नॉट। हाँ एनर्जी फील्ड m नॉट जो स्मॉल m है, ये हो गया मास आपके पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का। Okay. आपके एक इलेक्ट्रॉन का, आपकी जो बॉडी है उसका एक इलेक्ट्रॉन का मास। जो कैपिटल सी स्क्वायर है, वो जो ग्रेविटी, जो आपकी क्या कहते हैं एनर्जी लोगोस की तरफ से आ रही होती है ना, उसका स्क्वायर, उस एनर्जी का स्क्वायर, ठीक है, उस लाइट का स्क्वायर। फिर उसके बाद उसने डिवाइड किया, उसको अंडर रूट का साइन लगाया, वन माइनस v स्क्वायर का मतलब होता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से स्पीड ऑफ लाइट आ रही होती है उसकी तेजी, उसकी स्पीड, वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो छोटा वाला c का स्क्वायर किया है, ये है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। अगर आप लोग ये सारी वैल्यूज एक्यूरेटली लगा दोगे ना, तो आपको स्पिरिचुअल मास पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज को याद रखना, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये भी चेंज हो रही होती है, जो लोगोस की डायरेक्शन से जो लाइट आ रही होती है वो भी चेंज हो रही होती है। आपका जो मास है ना इलेक्ट्रॉन का, इसका भी जो ये क्या कहते हैं, जो मास जो ये कैलकुलेट करते हैं, वो भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपकी स्पीड ऑफ लाइट पे भी, और स्पीड ऑफ ये जो वहां से आ रही है, क्या बोलते हैं, लोगोस की तरफ से आ रही है, वहां से भी स्पीड ऑफ लाइट, ये सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी भी ऊपर नीचे होती रहती है अगर आप लोग नोटिस करो तो, दो कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इस फॉर्मूला में वो कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल मास कैलकुलेट तो कर लोगे, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा कभी भी, कांस्टेंट तो क्रिएटर की लाइट जो होती है वही होती है बस, कांस्टेंट। स्पिरिचुअल जो अध्यात्म है, पहली बात तो उसका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन है नहीं, तो स्पिरिचुअल मास कैसे हुआ, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया। जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक सोच है, एक तरीका है, एक एक्शन है, उसका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन तो होता नहीं है। तो स्पिरिचुअल मास बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, कैसे बताओ, बिल्कुल होता है। अगर आपको स्पिरिचुअल मास अपना इंक्रीज करते चले गए ना, तो आप जैसे अभी भी जो आप कर रहे हो ना, जो भी चीजें देख रहे हो, ये हम लोग सेशन कर रहे हैं, या आप रोड पे जाते हो, आप खीरा खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, सारी आप ही की मैनिफेस्टेशन है। वो थॉट आया, थॉट ने क्रिएट कर दी वो मैनिफेस्टेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है थॉट, बिना थॉट के आप कोई चीज नहीं कर सकते, इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से जाके वहां जुड़ती है, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल मास। और वो बदलता रहता है, मास जो होता है, मास MASS, वो बेसिकली उस चीज को बोलते हैं जिसे आप, जिसका आप वजन कर सको, जो डेंस, इतना डेंस हो गया कि उसका वजन बढ़ गया, ओके, एक ग्राम दो ग्राम जितने भी। तो स्पिरिचुअल मास, स्पिरिचुअलिटी का वजन कैसे करोगे पा? मैम बिल्कुल कर सकते हो, आप कभी नोटिस किया आप लोगों ने, कभी कभी लोग बात करते हुए ऐसी ऐसी मजाक मजाक में एक दूसरे को बोलते हैं, भाई कुछ भी कह ले इसकी बात में दम तो है, सुना है ना आपने, इसका मतलब उसकी बात में दम नहीं है, उसके थॉट में दम है, कहने वाले का है। लेकिन हाउ कैन यू कैलकुलेट स्पिरिचुअल मास इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, जब कोई चीज इस प्लेनेट physical... इस प्लेनेट पे कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट ये जो सिविलाइजेशंस होती है ना, जो उस लेवल पे पहुंच जाती हैं, वो चक्रास को देख के, उनका जो बैलेंसिंग होती है ना, उसको देख के पता कर लेते हैं कि स्पिरिचुअल मास कितना है इसका। पिछले सेशन में बताया था रानी इस बारे में। अच्छा ओके, पिछले सेशन में बताया था पाने। रूपाली कुछ पूछना चाह रही है। हाँ रूपाली मैडम, ये जो वाइब्रेशनल लेवल रहती है ना, इट काउंट्स इन वाइब्रेशनल लेवल।
अपना जो फॉर एग्जांपल हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारा जो एनर्जी लेवल रहता है दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट, और वो इंक्रीज होते 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 इट गोज अप टू 1 लाख वोल्ट. तो जो एक एग्जांपल था ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है वो उड़ जाते हैं, वो उस लेवल पे जब जाता है तो वो उड़ जाते हैं. अभी उसका काउंटिंग करने के लिए, काउंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं पता नहीं, बट ये उसके लेवल से. तो बहुत अच्छा जवाब दिया रूपाली ने मैम, बहुत. ये मतलब स्पिरिचुअल मास की बात कर रही हो? हाँ मैम. अभी उसको मास कहे या मिस, ये जो काउंटिंग जो पैरामीटर है ना, इट इज वाइब्रेशनल लेवल. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? हाँ जी, हाँ जी. तो डॉन पूछता है कि मुझे बताइए कि 9 का जो ट्रांसमिशन होता है उसका उसको समझा सकते हैं आप मुझे? जैसे कि CH इज अ प्रिंसिपल विच इज द रिवीलिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड लॉ. कैन यू टेल मी व्हाट दैट प्रिंसिपल इज? मुझे ना हिंदी आनी है इसकी कन्वर्ट करनी, और ना ही मेरे को ये समझ में आना है. वो पहले का फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया, फिजिक्स में मेरा दिमाग नहीं चलता, पर ठीक है आप ही समझा दो पा. हाँ, तो यहाँ पे मैम ये थोड़ा सा ना अजीब सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. ये जो बुक लिखी थी ना जब एंड्रिया पोहारिक ने, तो वहां पे जब 9 के साथ ट्रांसमिशन चल रहा था, ये काउंसिल के साथ जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी ना काउंसिल, तो वहां पे जो जो प्रिंसिपल्स वो बताए जा रहे थे ना कि ब्रह्मांड के ये प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लॉ ऑफ 1 है ना, ये हाँ. भी ब्रह्मांड के प्रिंसिपल्स है. ये रा के 6th डेंसिटी के लेवल की है. अगर आपने वो पढ़ी तो आपको काउंसिल के लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके अंदर. वो ऐसी बुक है. तो उसमें बुक के अंदर हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, वो इतनी हैवी थी, हम लोगों ने कहा कि अभी रुक जा पहले इसी को डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो उसमें उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया था CH, सी और एच करके. उसका मतलब उन्होंने ये बताया था कि इसका मतलब होता है नॉलेज एंड लॉ, मतलब ज्ञान और ये जो लॉज बनाई है रचयिता ने उनका किस तरीके से इस्तेमाल या वो किस तरीके से काम करती है. तो ड्रॉन यहाँ पर यही पूछ रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं वो प्रिंसिपल क्या है, हमें समझाएंगे CH प्रिंसिपल क्या होता है. तो यहाँ पर रा बोलते हैं, द प्रिंसिपल सो वेल्ड इन दैट स्टेटमेंट इज, द प्रिंसिपल सो वेल्ड इन दैट स्टेटमेंट इज बट द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टेंट और क्रिएटर एंड द ट्रांसजेंट और द इनकारनेट बींग एंड द यर्निंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू वन फॉर द अदर इन लव एंड लाइट अमिड्स द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्री विल एक्टिंग अपॉन द इल्यूजन बाउंड एंटिटी. बड़ा सुंदर जवाब दिया इसने. इसने कहा ये जो प्रिंसिपल है ना, ये छुपा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, अगर तुम समझने की कोशिश करो तो. कह रहे देखो जो कॉन्स्टेंट है पूरे ब्रह्मांड में, जो चीज जो एक है, कह रहे वो तो रचयिता है. कह रहे उस रचयिता से जो निकली हुई चीज है वो है तुम, इनकार्नेट बींग, यानी जो पैदा हुए हुए लोग, पैदा हुई हुई धरती, पैदा हुए हुए सूरज, पैदा हुई हुई गैलेक्सी, पैदा हुए हुए ब्रह्मांड, कह रहे वो सब उस रचयिता के अंदर से निकले हैं. कह रहे और उनकी और रचयिता की और रचयिता की और उनकी एक दूसरे से मिलने की जो इच्छा होती है ना, उस प्रेम और रोशनी के अंदर, उसके अंदर लगी होती है फ्री विल, इच्छा. कह रहे जो इच्छा होती है ना, कह रहे ये एक्ट करती है वहां पे कि कौन के एक दूसरे की तरफ कितनी तेजी से बढ़ना चाहता है. रचयिता की तो रहती ही रहती है, लेकिन ये जो एंटिटी है इसकी कितनी इच्छा है उस रचयिता की तरफ जाने की. कह रहे ये उसकी आजादी का इस्तेमाल करते हुए, फ्री विल, अपनी सोच का इस्तेमाल करते हुए, मेडिटेट करते हुए और दूसरों की सेवा करते हुए कितनी तेजी से निकलना चाहता है उस रचयिता के अंदर. वो इल्यूजन बाउंड एंटिटी मैम, हम ही लोगों की बात कर रहे हैं कि हम लोग तो अभी माया जाल के अंदर हैं. रचयिता के अंदर घुस गए तो आप पूरा माया जाल समझ में आ जाते कि ओहो ये तो पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है टीवी है, और वो टीवी के अंदर, वो टीवी क्रिएटर है, उसके अंदर अब हम बैठे हुए हैं क्रिएटर के साथ और समझ रहे हैं कि अरे वाह यार क्रिएटर क्या चीज बना दी यार आपने, तो मजा आ गया देख के. ये तो कह रहे इसके अंदर का जो प्यार प्रेम है ना, एक दूसरे से मिलने की एक जबरदस्त इच्छा होती है. कह रहे ये जो फ्री विल होती है ना, ये एक्ट कर रही होती है उसके अंदर कि कौन कितनी तेजी से जाएगा, कौन कितना धीरे धीरे जाएगा.
लेकिन ये इच्छा की लॉ जो लगी हुई ना, इसी की वजह से हो रहा होता है सारा कुछ। Was the reason that the nine transmitted this principle in this form, was the reason for this the first distortion? ये जो the nine Henry Poharich ने जिस तरह से लिखी, मैम जब भी ये the nine बोले ना तो council बोलना आप, council। अच्छा तो the nine transmitted मतलब वो जो किताब जो channel की उसने council वाली, तो क्या उसके पीछे वजह फर्स्ट डिस्टॉर्शन थी? फर्स्ट डिस्टॉर्शन, हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट पार्ट? फर्स्ट डिस्टॉर्शन क्या था मैम? सबसे पहला डिस्टॉर्शन क्या है? कि मैं खुद से जुदा हूं? नहीं, फर्स्ट डिस्टॉर्शन है फ्री विल। अब कुछ प्रेम रोशनी का बना हुआ है, फर्स्ट डिस्टॉर्शन है फ्री विल। पिछली बार हमने कहा फर्स्ट डिस्टॉर्शन था मैं खुद से जुदा हूं, और दूसरा था कि मैं दूसरों से जुदा हूं। सेपरेशन, वो सेपरेशन है। अच्छा, ओके। तो कह रहा है कि यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है सवाल में कि ये जो काउंसिल से जो इन्फॉर्मेशन हेनरी पोहारिक ने ली थी, क्या उसका रीजन ये था कि आजादी की लॉ लगी हुई थी इसलिए आपने दे दी? तो रा कहता है दिस इज इनकरेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो बोलता है कैन यू टेल मी व्हाई दे गेव द प्रिंसिपल इन सच अ वेल्ड फॉर्म देन। कह रहा तो ये इन्होंने मतलब काउंसिल ने इतनी छुपे तरीके से ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी, ये प्रिंसिपल क्यों दिए हेनरी पोहारिक को? तो रा कहता है द स्क्राइब इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन पजल्स एंड इक्वेशंस। कह रहा क्योंकि हेनरी पोहारिक का दिमाग ही ऐसा था, उसे पजल मतलब इस तरीके की छुपी हुई चीजों को ढूंढना और इक्वेशंस को समझना बड़ा पसंद था। मैम वो साइंटिस्ट था हेनरी पोहारिक, अच्छे खासे लेवल का साइंटिस्ट भी था, लेकिन साइंटिस्ट होने की वजह से उसका झुकाव यहाँ पर हो गया इस डायरेक्शन में उसका और यूरी जेलर का। तो उसने मैम ये बहुत बहुत ये भी बहुत ज्ञानी लोग थे, हेनरी पोहारिक हो गया, यूरी जेलर, ये क्या कहते हैं उस टाइम के भी ये हुआ करते थे क्या नाम है रसेल टार्ग, और बहुत बंदे थे मैम उस टाइम पे, हमने सबके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, सबकी सारी चीजें देखी हुई है। रसेल टार्ग का तो एक सेशन भी है इसके ऊपर यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया, कभी देख कभी टाइम मिले तो देखना। उसी ने रिमोट व्यूइंग को वो किया था, मतलब इजाद तो खैर इन्होंने किया था, ये पैट प्राइस, इंगो स्वान, और क्या नाम है आपका ये यूरी जेलर, लेकिन उसको मॉनिटर रसेल टार्ग और एक और था हेल पुथॉफ, इन पांच इन दोनों बंदों ने किया था। ये स्टैनफोर्ड रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट में अंडरग्राउंड बेसमेंट में इन लोगों ने फैराडेज केज बना रखा था। वहां पर इन लोगों ने जब इस तरीके के वो कर रहे थे ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ये क्या बोलते हैं रिमोट व्यूइंग के, तो इसने क्या नाम है यूरी जेलर ने अपने थॉट का इस्तेमाल करके वहां के जितने भी कंप्यूटर थे वही सारे उड़ा दिए थे उनके। हाँ, थॉट का इस्तेमाल कर रहे, रिमोट व्यूइंग की, कंप्यूटर के अंदर गया, उसके पूरे सर्किट ही जल गए अंदर के। फैराडे केज के अंदर था, जबकि वो फैराडे केज वो बोला जाता है कि वो बाहर की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को ब्लॉक कर देता है, बाहर का कोई थॉट अंदर नहीं आ सकता। सब ये सोच रहे थे कि बाहर की कोई एनर्जी फील्ड अंदर नहीं आएगी, फिर भी ऊपर टॉप में बैठा हुआ था, मतलब बिल्डिंग के टॉप पे वो बैठा हुआ है क्या कहते हैं ये क्या नाम है आपका यूरी जेलर, वहां से एक्सपेरिमेंट किया, नीचे उन कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो बेसमेंट में लगे हुए थे फैराडे केज के अंदर, उनके अंदर घुसा, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली और उनके सारे सर्किट ही जला दिए उसने। ये पावर है रिमोट व्यूइंग की। बहुत मुश्किल है करना, मैं चार बार ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे से तो हुआ नहीं है, करूंगी और ट्राई करूंगी। अच्छा, हो जाता है, हो जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाता है। बड़े प्यार से खेल हंसते खेलते करोगे ना, जोर जबरदस्ती करोगे तो नहीं होगा, हंसते खेलते करोगे ना सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की तरह, तो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। हाँ हाँ, चलिए चलिए। तो 39.9 डॉन पूछता है द नाइन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज द नाइन प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, कैन यू टेल मी व्हाट दे मीन बाय दैट। जो काउंसिल है वो खुद को ईश्वर के नौ प्रिंसिपल्स, मतलब के प्रिंसिपल को क्या रूल बोल लो, रूल्स बोलते हैं, तो इससे उनका मतलब क्या है? प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलेंगे?
मैम यहाँ पे प्रिंसिपल जो वर्ड यूज हुआ है गौर से देखना, ये वाला प्रिंसिपल है जो स्कूल में प्रिंसिपल टीचर होती है। अच्छा वो है, अच्छा नाइन प्रिंसिपल। हाँ 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 मैं वो पी एल ई समझ रही थी, ये पी ए एल है, सॉरी मैंने देखा नहीं। अच्छा मतलब वो नाइन प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, ओके, ईश्वर के नौ स्कूल टीचर मतलब सुपरवाइजर। अच्छा तो रा क्या कहते हैं? तो रा कहता है दिस इज ऑल्सो अ वेल्ड स्टेटमेंट, द अटेम्प्ट इज मेड टू इंडिकेट दैट द नाइन हु सिट अपॉन द काउंसिल आर दोज representing the creator, the one creator, just as there may be nine witnesses in a courtroom testifying for one defendant. The term principal has this meaning also. कह रहा है ये भी छुपी हुई information थी, ये भी छुपी हुई statement थी, ये तुम्हें समझ नहीं आई। कह रहा है इसका मतलब ये है कि जो nine principal जो बैठे हुए हैं उस council के अंदर, कह रहे वो रचयिता को represent कर रहे हैं, उस one infinite creator को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोर्ट में एक किसी कोई वो है, किसी के अगेंस्ट केस चल रहा है और नौ लोग आ गए उसकी वो देने के लिए, गवाही देने के लिए। कह रहे बिल्कुल ऐसा है, कह रहे इस टर्म प्रिंसिपल का मतलब ये ही है कि रचयिता की बात वो नौ लोग रख रहे हैं। आगे वो, हाँ ये तो आगे भी है इसका, कह रहा है द डिजायर ऑफ क्राइम मे बी सीन इन मच ऑफ मटेरियल टू हैव अफेक्टेड द मैनर ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन जस्ट एज द एबिलिटीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ दिस ग्रुप डिटरमिन द नेचर ऑफ दिस कॉन्टैक्ट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट वी आर एज वी आर दस वी मे ईदर स्पीक एज वी विल और नॉट स्पीक एट ऑल दिस डिमांड्स अ वेरी ट्यून्ड शैल वी से ग्रुप। कह रहा है ये जो हेनरी पोहारिक था ना, कह रहा है ये इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि उसका जो मटेरियल उसको ऐसे देख सकते हो कि वो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गई ना वो बिल्कुल वैसे ही गई जैसी उसने चाही थी, जिस तरीके की उसने चाही थी उसी तरीके से काउंसिल ने उसको करके दे दी। उसे मतलब चीज़ों को ढूंढना, इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पसंद थी तो काउंसिल ने उसे उसी तरीके से दे दी जैसा उसने चाहा, काउंसिल ने उसको वैसा दिया। कह रहा ये बिल्कुल ऐसा है कि एंड प्रेफरेंस ऑफ दिस ग्रुप डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस कॉन्टैक्ट, कह रहे इसी तरीके से जिस तरीके से तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुमने हमसे कांटेक्ट किया उसी तरीके से हम लोग तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हेनरी पोहारिक ने हमें कांटेक्ट किया होता तो हम उसे यही इन्फॉर्मेशन उसके तरीके से दे रहे होते। कह रहे हमें सारे तरीके आते कि किसको कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, वो जैसे मांगेगा हम उसे वैसे ही दे देंगे। कह रहे द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट वी आर एज वी आर, कह रहे देखो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बस यही है कि हम जो है ना हम वो है, सिंपल सी बात है, उसी तरीके से तुम जो हो वो तुम हो, जैसा तुम सोचते हो। कह रहे हम अपनी सोच उससे मैच कर देते हैं, उसी के हिसाब से तुम्हें दे देते हैं चीजें। कह रहे कि इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि या तो हम लोग बोलें या कुछ भी ना बोलें, या तो कुछ भी मतलब जो तुम चाहते हो हमसे बुलवाना, कह रहे वैसे हम बोल दें या हम कुछ भी ना बोलें, क्योंकि वहां पर दोनों की इच्छा है, तुम्हारी भी लग रही है और हमारी भी लग रही है, दोनों की इच्छा लग रही है। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं इस तरीके का काम करने के लिए ना एक बहुत ही ट्यून्ड ग्रुप चाहिए होता है, जिनकी ट्यूनिंग आपस में बहुत बढ़िया हो, जिनके आपस में प्रेम प्यार सौहार्द बहुत बढ़िया हो, तभी वो इस तरीके के काम को कर सकते हैं, इस तरीके की चैनलिंग को। कह रहे वरना ये इतना आसान काम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आप लोग भी मैम आजकल बड़े वो देख रहे होगे, मतलब यूट्यूब पे और इधर उधर बहुत बड़े बड़े चैनलर्स आ गए हैं, जी मेरे को तो ये दिख गया है, आंख बंद की और बिल्कुल आसमान से उन्होंने तो बिल्कुल एकदम अवतारित रूप से सारी चीजें दिखा दी। और यहाँ वो ये कह रहे हैं इसके लिए बहुत ट्यून्ड दिमाग चाहिए होता है, ट्यून्ड ग्रुप चाहिए होता है करने के लिए, तब जाके चैनलिंग होती है। उनके बीच में प्रेम प्यार सौहार्द ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए बिल्कुल खड़े रहना चाहिए उनको, तब हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से देखना आज की डेट में, अगर आप यूट्यूब पे जो भी देख सकते हो, मतलब हम ये तो नहीं बोल रहे कि ऐसा कर या ना कर, थोड़ा ध्यान रख सको तो रख लेना कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है भी या नहीं है, चेक करते रहना हर इंफॉर्मेशन को। डॉन पूछता है आई सेंस दैट देयर इज फ्रूटफुल ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ डेवलपमेंट इन ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ द बॉडीली एनर्जी सेंटर्स। हम जो चक्रा सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे जगाया जाए या असेंशन किया जाए या एवोल्यूशन आगे बढ़ाया जाए,
और ये चक्र सिस्टम इसमें कैसे हेल्प करते हैं, इसका इसकी जो हम जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 7 centers हैं, 7 chakras हैं, इनका कहीं ना कहीं जो पहले मैंने 7 की बात की थी उससे कोई ताल्लुक है, और हमारे डेवलपमेंट्स के भी के लिए सबसे मेन जरूरी चीज है। मतलब अगर हम असेंशन चाहते हैं, एवोल्यूशन चाहते हैं, तो उसका चक्रों से बहुत गहरा ताल्लुक है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुड यू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस बॉडीली एनर्जी सेंटर स्टार्टिंग विद द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ टू हैव देम। तो क्या आप मुझे बहुत ही छोटे तबके की जिंदगी जो है धरती पे, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, उसके एनर्जी सेंटर से लेके आप हमें इसे कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में आप हमें समझाएंगे क्या? तो मैम देखो, घूम घूम फिर के डॉन फिर दोबारा उसी चीज पे चला गया, चक्रास की नॉलेज, जो कि अच्छी बात है इसने पूछ लिया, हालांकि ये चीज पहले कवर हो चुकी है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है दिस मटेरियल हैज बीन कवर्ड प्रीवियसली टू सम एक्सटेंट, कहता है कि ये चीज हम पहले, मैम एक्चुअली एक चीज यहाँ पे करेक्शन है, वो बोल रहा है ये जो प्रिंसिपल रादर देन प्रिंसिपल बट सिंस राज रिफर्स टू देम एज विटनेसेस वी हैव चोजन द स्पेलिंग टू मैच। अच्छा, वो कह रहा है कि पिछली बार हमने जो प्रिंसिपल्स की बात की थी ना, उसका मतलब मैम प्रिंसिपल मैम वाला नहीं है, वो प्रिंसिपल्स ही है, मतलब रचयिता के 9 principles, रचयिता के 9 rules तरीके के। तो मैं सही कह रही थी ना फिर? हाँ, आप तो आप सही कह रहे थे, मेरे से गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। पैरी पैना नहीं, गलती डॉन की है, रा की है। आपकी नहीं, कार्ला की, कार्ला जिस तरीके से बोल रही थी ना, तो वो गलती हो गई। वो प्रिंसिपल अंग्रेजी है ही ऐसी लैंग्वेज, मतलब तुम लोग कुछ तो फर्क रखो यार प्रोनंसिएशन में, प्रिंसिपल होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ो। करेक्ट। तो वो इस सवाल का, चक्रों वाला जवाब वो देना शुरू करता है, कह रहा है देखो इसके बारे में हम लोगों ने काफी बात कर ली है पहले, लेकिन हम तुम्हें फिर से चलो बता देते हैं अगर तुम और जानना चाहते हो। कहता है कि रेज ड्वेल इन फर्स्ट एंड सेकंड डेंसिटी एंड देयर, अच्छा कह रहा है कि देयरफॉर वी शैल नॉट रिपीट इंफॉर्मेशन अपॉन व्हिच रेज ड्वेल इन फर्स्ट एंड सेकंड डेंसिटी एंड द वेयर ऑफ दिस बट रादर अटेम्प्ट टू एनलार्ज अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। कह रहे हम पहली और दूसरी घनत्वता के बारे में इस वक्त ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हम बड़े लेवल पे बात करते हैं कि भाई ये चक्र काम कैसे करते हैं। कह रहे द बेसिक पिविटल पॉइंट्स ऑफ ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट इज ईच डेंसिटी बियॉन्ड सेकंड मे बी सीन टू बी एज फॉलोज। कह रहे कि देखो हम ना पहली और दूसरी घनत्वता को छोड़ो, हम तीसरी घनत्वता से बताना शुरू करते हैं, क्योंकि उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ज्यादातर नीचे की घनत्वताएं जितनी भी होती है ना, वो नीचे के चक्रों में ही काम कर रही होती है। तो इसलिए हम तीसरी घनत्वता का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और फिर आगे चलते हैं। कह रहा और वो इस तरीके से है, कह रहा फर्स्टली द बेसिक एनर्जी ऑफ द सो कॉल्ड रेड रे, दिस रे मे बी अंडरस्टूड टू बी बेसिक स्ट्रेंथनिंग रे फॉर ईच डेंसिटी, इट शैल नेवर बी कंडेंसेड टू अ लेस इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन फॉर इट इज द फाउंडेशन रे। वो कह रहा है कि देखो सबसे पहली तो होती है लाल वाली जो रे होती है, यानी लाल चक्र जिसे बोलते हैं, सबसे नीचे वाला। मैम आप चक्रों के नाम लेते जाना, जो भी ये चक्र बोले जाते हैं, हमें हिंदी में नहीं पता है, इट इज ओके। सबसे पहला कौन सा? स्वाधिष्ठान, मूलधार, मूलधारा। हाँ, मूलधार चक्र, मूलधारा चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेड रे के लिए वो कहता है देखो दोस्त, सबसे पहला होता है रेड रे, कहता है इसमें बेसिक स्ट्रेंथनिंग होती है, इसके अंदर जो चीजें आ जाती है मैम बेसिकली ये सारी चीजें आती है, सर्वाइवल यानी जीना, डिजायर यानी इच्छा, कन्फ्यूजन यानी कि इधर उधर भागने में और ये इन सब चीजों में लगे हुए काम चीजों में, कह रहा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैंने क्योंकि अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है सारी चीजें, तो मैं वहां से पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर सर्वाइवल, डिजायर, एक मिनट, इसका ताल्लुक है आपके कॉन्फिडेंस से, आपके एम्बिशन से, आपके पैसे से, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके लॉजिक से, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एक्चुअली सेक्सुअल एनर्जी से है, रिप्रोडक्शन का ताल्लुक
सेक्रल चक्र मतलब ऑरेंज वाले से है, रूट वाले का ताल्लुक सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी से है। हाँ पा कंटिन्यू। हाँ मैम, और इसी में मैम सर्वाइवल और इच्छाएं ये सारी चीजें भी आ जाती हैं इसमें। हाँ सर्वाइवल एंड इच्छाएं, और इसका जो ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें आते हैं। हर चक्र का ताल्लुक आपके हेल्थ से होता है और इसका ताल्लुक आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से है। हाँ जी, तो इसमें भी वो ये कह रहा है कि हालांकि है तो सबसे बेसिक चक्र कह रहा, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन यानी आपके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फाउंडेशन होती है, क्योंकि ये उसका फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे मैम? जमीन मतलब आधार, नीव, नीव आधार, आधार नीव होती है। बिल्कुल सही बात, वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी ग्राउंडिंग सही नहीं है तो आपकी जो कुंडलिनी है इंसान पागल हो जाएगा, वो कुंडलिनी जब जागृत होगी, तो इसलिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है उसको पकड़ के रखने के लिए, बैलेंस और कंट्रोल करने के लिए। हाँ मैम, तो इसके बाद वो आगे चलता है, वो कहता है द नेक्स्ट फाउंडेशन इज येलो रे, दिस इज द ग्रेट स्टेपिंग स्टोन रे, At this ray, the mind-body potentiates to its fullest balance. The strong red-orange-yellow triad springboards the entity into the center ray of green. This is again a basic ray, but not a primary ray. So, कह रहा है कि अगली जो होती है वो पीली वाली होती है, मतलब पीली वाली को क्या बोलेंगे मैम? अब आप एक एक करके बताते रहना। मणिपुर, मणिपुरा चक्र, सोलर मणिपुरा चक्र इधर है स्क्रीन पर सामने। नहीं सोलर प्लेक्सस नहीं है मैम, ये सारे चक्रों की बात ना नीचे के जितने भी एक ही बार में कर दी है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते जैसे कर रहा है, इन चीजों में नहीं फंसते, इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, बाकी तो देख लेंगे बाद। वो कहता है नेक्स्ट फाउंडेशन होती है आपकी ऑरेंज, येलो बोल दिया इसने, गलती होती है ऑरेंज, कह रहे दिस इज, मेरे ख्याल में इसने नीचे करेक्शन भी की होगी, ये हाँ की शायद की है इसने, पता नहीं की है नहीं की है, जो भी है। तो वो ये कहता है कि अरे कहाँ चला गया यार, हाँ कहता है द नेक्स्ट फाउंडेशन इज येलो, इसने यहाँ पे येलो लिखा, दिस इज द ग्रेट स्टेपिंग स्टोन रे, एट दिस रे द माइंड बॉडी पोटेंशिएट्स टू इट्स फुलेस्ट बैलेंस, द स्ट्रॉन्ग रेड ऑरेंज येलो ट्रायड springboards the entity into the center ray of green. This is again a basic ray, but not a primary ray. वो कह रहा है कि देखो next foundation जो होगी ना, foundation का मतलब हो गया मैम कि जहां पर चीजें actually में बनना शुरू होती हैं। हाँ foundation, जो अगली नींव, जो बड़ी नींव होगी वो होगी आपकी येल्लो में, ऑरेंज में नहीं येल्लो में। तो सही कह रहा हूँ बिल्कुल, कह रहे ये ग्रेट स्टेपिंग स्टोन है, मतलब ये बहुत बड़ी छलांग है एक, मतलब इस पत्थर की, कह रहे कि यहाँ पर ना एक व्यक्ति अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैम यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिटी, पावर मैनिपुलेशन और एक हर्ड मेंटालिटी, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंगली सोचने लग जाना और अपने परिवार की सुरक्षा या ग्रुप की सुरक्षा, और यहाँ पे कंडीशनल लव होता है इसमें, अनकंडीशनल लव नहीं होता कि तू मेरे को प्यार करेगी इस वजह से तो मैं तेरे लिए करूंगा चीजें इस वजह से, यहाँ पे कंडीशनल लव होता है इसमें ऑरेंज वाले में, सॉरी येलो वाले में। तो वो कह रहे हैं कि ये तीनों जो चक्र है ना नीचे के, लाल ऑरेंज और पीला, ये एक तरीके का ट्रायंगल बना लेते हैं, मतलब ट्रायड है ये, ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, ट्रायड है, ये तीनों मिलकर एक ना स्प्रिंग बोर्ड बनाते हैं। मैम स्प्रिंग बोर्ड वो होता है, जब आपने वो देखा है समुद्र के अंदर लोग वो एक बोर्ड लेके जाते हैं, उसके ऊपर समुद्र की लहरों पे चल रहे होते हैं। स्विमिंग नहीं, स्प्रिंग बोर्ड वो होता है जब आप स्विमिंग पूल में डाइव करना चाहते हो ऊंचाई से, तो ऊपर जाके सीढ़ियां चढ़ के एक बोर्ड बना होता है स्विमिंग पूल के ऊपर। अच्छा ओके, उसको ओके 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 हाँ, तो वो कहता है कि ये तीनों जो स्प्रिंग बोर्ड होते हैं बहुत ज्यादा लगती है। हाँ कहते तो उसके अंदर से छलांग बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है एक एंटिटी को, ताकि वो अपने हरे चक्र में घुस जाए जो उसका हार्ट चक्र होता है। कह रहा है अगेन हम तुमको बता दें, ये तीनों है ना, दोबारा बता दें हम तुम लोगों को, लाल ऑरेंज और पीला, कह रहे ये तो बेसिक है,
ये बेसिक चक्र है तुम्हारे। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर जिंदगी जी रहा है ना, तो वो अपनी बेसिक जिंदगी जिएगा, वो नहीं बढ़ सकता आगे, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप लोग जैसे अगर आप नोटिस भी करना भी आसपास लोगों को चलते हुए, जो लोग ज्यादातर अपनी बेसिक जिंदगी रहे होते हैं ना, जैसे नॉर्मली जो उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा होता है, वो इसी के अंदर जी रहे होते हैं, इन्हीं तीन चक्रों के अंदर जी रहे होते हैं। जैसे आप लोगों को लॉ वन की इच्छा है, क्रिएटर को जानने की इच्छा है, अपने आप को जानने की इच्छा है, ये चीजें उनके अंदर नहीं होती है, उनके अंदर नॉर्मल जिंदगी चल रही होती है। एक मिनट, एक चीज बोलनी थी यहाँ पर कि येलो रे क्यों स्प्रिंगबोर्ड है हार्ट चक्र के लिए। येलो रे जिसका एक्टिव है वो इंसान खुश रहता है हमेशा। ये जो चक्र है, अगर ये आपका एक्टिव है, आप हर वक्त खुश रहोगे, हर वक्त क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ चीज में लगे रहोगे, खास करके अगर ऑरेंज भी एक्टिव है। और जो इंसान खुश रहेगा वो बाकी सबको भी खुशी ही बांटना चाहेगा। तो इसलिए जब ये एक्टिवेट हो जाता है सही तरीके से, तो दूसरों को अनकंडीशनल लव देना आसान हो जाता है। इसीलिए वो स्प्रिंग बोर्ड है हार्ट चक्र के लिए। करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। मेरे को एक मिनट देंगे, मैं पानी पी लूं, थोड़ा गला सूख रहा है। हाँ जी, प्लीज। दिस इज द रिसोर्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क। व्हेन ग्रीन रे हैज बीन एक्टिवेटेड, वी फाइंड द थर्ड प्राइमरी रे बीइंग एबल टू बिगिन पोटेंशिएशन। This is the first true spiritual ray, in that all transfers are of an integrated mind-body-spirit nature. The blue ray seats the learning teaching of the spirit in each density within the mind-body complex, animating the whole, communicating to others this entirety of beingness. Par maine diya, samjha aap dena. Yahan se. Haan, to ma'am, ye. Pad diya. Ek second. हाँ, एक्चुअली मेरे को भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके ही समझाऊंगा, वरना खो ना जाए जी, जरूर। तो वो अगला कहता है कि ये जो जब ग्रीन चक्र में घुसते हैं, दिस इज द रिसोर्स फॉर स्पिरिचुअल वर्क। व्हेन ग्रीन रे हैज बीन एक्टिवेटेड, वी फाइंड द थर्ड प्राइमरी रे बीइंग एबल टू बिगिन पोटेंशिएशन। दिस इज द फर्स्ट ट्रू स्पिरिचुअल रे, इन दैट ऑल ट्रांसफर्स आर ऑफ एन इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी स्पिरिट नेचर। द ब्लू रे सीड्स द लर्निंग टीचिंग्स ऑफ द स्पिरिट in each density within the mind body spirit complex, animating the whole, communicating to others this entirety of beingness. Oh, acha, to ye to badhiya baat hai bhai. Wo keh raha hai ki ye jo dil ka chakra hota hai na, keh raha hai yahan par hota hai asli adhyatmik, jo tumhara kaam shuru hota hai yahan par hota hai. Kehta hai jab ye activate ho jata hai na, to kehta hai jo niche ke iske chakra hote hai na, jab ye activate hota hai, jo niche ka, just iske niche ka, yani yellow chakra ki baat kar raha hai wo. कह रहा है इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, वो पोटेंशियल शुरू हो जाता है, इसके अंदर भी होगा, क्योंकि आप जब ये चीज आपका दिल खुलना शुरू होता है ना, तो आप बाकी लोगों से भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की इच्छा हो जाती होगी आपकी। अब जैसे आप लोग लॉ ऑफ वन का ज्ञान पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो, जिन जिनके दिल खुलते जा रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं, जिनके दिल में प्रेम आता जा रहा है, यार ये इन्फॉर्मेशन सबको देनी बहुत जरूरी है, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, क्योंकि ग्रुप मेंटालिटी वहां पे काम कर रही होती है, आपकी इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है कि आपको दूसरों को देनी है इन्फॉर्मेशन। कह रहे इस वजह से ये स्पिरिचुअल काम शुरू हो जाता है आप लोगों का, दूसरों की भलाई के लिए आप सोचने लग जाते हो वहां पर। कहते हैं दिस इज द फर्स्ट ट्रू नेचर ट्रांसफर इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी स्पिरिट नेचर। वो कह रहे हैं कि ये वो ट्रू, ये वो सच आध्यात्मिक रे है, जहां पर सारे ट्रांसफर, मतलब सारी चीजें घुल मिलके एक ही जगह पे आ जाती हैं, तुम्हारे दिल में सारी चीजें। कह रहे इसी के ऊपर जो है तुम्हारा ब्लू चक्र होता है, जो जिसको हम थ्रोट चक्र कहते हैं। मैम थ्रोट चक्र को हिंदी में क्या बोलेंगे अब? विशुद्धि। विशुद्धि कहते हैं, हाँ। कह रहे और जब तुम ये सारी अनुभूति ले रहे होते हैं ना अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, तुम्हें अच्छा लगने लग जाता है, तुम्हें ये ज्ञान मिल रहा होता है, तुम्हारी लर्निंग जारी होती है उस डायरेक्शन में, स्पिरिचुअल डायरेक्शन में, तो कहते हैं तब तुम अपने इस गले का इस्तेमाल करके दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हो। ये बताऊं मैं इन्हें कि भैया क्रिएटर एक है, हम भी क्रिएटर हैं, अरे ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है भाई साहब, जो हमने कभी बचपन से नहीं सुनी थी, कभी सोची भी नहीं थी। तो आपकी इच्छा ऐसी होने लग जाती है कि यार मैं सबको बताऊं, मैं सबको बताऊं। तो जब ऐसा होने लग जाता है ना, तो समझ लो आपका ग्रीन रे तो एक्टिवेट हुआ ही हुआ, आपके गले का भी एक्टिवेट हो गया, और उस टाइम पर आप परेशान हो रहे होते हो कि नहीं मुझे बताना है, नहीं मुझे बताना है, नहीं मुझे बताना है दूसरों को। लेकिन फिर उसमें आप ना कई जगहों पर लोगों की आज़ादी का उल्लंघन भी करते चले जाते हो। लेकिन ये मान के चल लेना, जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है,
उनका हार्ट चक्र और उनका ये गले वाला थ्रोट चक्र वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके आगे चलते हैं। कहते द इंडिगो रे दो प्रिशियस इज दैट रे वर्क अपॉन ओनली बाय द एडेप्ट एज यू वुड कॉल इट। इट इज द गेटवे टू इंटेलिजेंट इंफिनिटी ब्रिंगिंग इंटेलिजेंट एनर्जी थ्रू। दिस इज द एनर्जी सेंटर वर्क अपॉन इन दोज टीचिंग्स कंसिडर्ड इनर हिडन एंड ऑकल्ट। फॉर दिस रे इज दैट विच इज इन्फिनाइट इन इट्स पॉसिबिलिटी। As you are aware, those who heal, teach, and work for the Creator in any way, which may be seen to be both radiant and balanced, are those activities which are in Indigo Ray. कह रहे इसके बाद अब आ जाओ आप अपने Indigo Ray पे, मतलब जिसको आप ये तीसरी आँख वाला जो बोलते हो, अजना क्या कौन सा चक्र? अजना अजना चक्र। कहता है कि हाँ, अब जब तुम इस पे आ जाते हो ना, कह रहे जब तुम्हारे गले वाला होगा ना, ये धक्का मार के आगे लेके जा रहा होता है तुम्हें, खींच के ऊपर लेके जाएगा। ये धीरे धीरे जब तुम मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तुम क्योंकि परेशान हो जाओगे, तुम दूसरों को तो बता नहीं पा रहे हो, तो तुम मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करोगे, सारी चीजें करना शुरू करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारे कुंडलिनी पे जाना शुरू करेगा। कह रहे वहां जब जाना शुरू करेगा ना, कह रहे तो तब जाके वो गेट ओपन हो जाता है एकदम से धड़ाम करके, और तुम सीधा क्रिएटर की अनंत बुद्धिमानिता से और उसकी अनंत जो एनर्जी है ये चारों प्राइमल फोर्सेस से, कह रहे उससे कनेक्शन बन जाता है तुम्हारा। कह रहे और इस टाइम पर जब तुम्हारा ये कनेक्शन बनता है ना, तब तुम्हें अंदर की अपनी चीजें और ये सारी चीजें जो हिडन चीजें हैं तुम्हारी अंदर की, और जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, क्रिएटर को समझ रहे हो, दूसरों को समझ रहे हो, कह रहे दूसरों को सिखाने की इच्छा भी उत्पन्न और ज्यादा होने लग जाती है। फिर इस केस में तुम बताना सिखाना शुरू करना चाहते हो, कि तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, और ऐसा हो रहा है बहुत लोगों के साथ हो रहा है आज की डेट में दुनिया में। कह रहा और तुम्हें ये भी पता चल जाता है इसको करने के बाद कि भाई पूरे यूनिवर्स के अंदर इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अब तो ये लिमिटेशंस थी जो मैंने लगा रखी थी बचपन से, पूरे यूनिवर्स में तो इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं जैसे चाहूं वैसे करके इन इंफॉर्मेशन को दूसरों को दे सकता हूं। कह रहा और इसी की वजह से ये होता है कि आप हीलिंग भी करनी शुरू कर देते हो दूसरों की, आप दूसरों को सीखना और सिखाना ये भी शुरू कर देते हो, इसीलिए तुम उस रचयिता के रास्ते पे आ जाते हो जो रचयिता का काम करना होता है, तुम उस काम को शुरू कर देते हो। जैसे रचयिता ने अपने बच्चों को सिखाया, कह रहे ऐसी उन्होंने बाकियों को सिखाया, कह रहे तुम भी वही काम करना शुरू कर देते हो जैसे पूरे ब्रह्मांड में काम चल रहा होता है। कह रहे इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे जितने चक्र होते हैं ना, वो सारे धीरे 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 बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ ये ही वो काम है जिसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कह रहे यही तुम्हारे अंदर का बैलेंस बनाना शुरू करता है और तुम्हारे अंदर की एक रेडिएंट एनर्जी बनाता है। रेडिएंट मतलब एक चमकती हुई एक अंदर से खुशी रहती है। तुम एक की मदद हल्की सी करोगे ना, तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी अंदर से। तुम एक और की कर दोगे, तुम्हें और खुशी मिलेगी। कह रहे ऐसी होना शुरू हो जाता है ये। कह रहे एज यू आर अवेयर द वायलेट रे इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट फिगर इन टू अ डिस्कशन ऑफ द फंक्शन ऑफ रीएक्टिवेशन। इन दैट इट इज द मार्क द रजिस्टर द आइडेंटिटी ट्रू वाइब्रेशन ऑफ एन एंटिटी। कह रहे और जैसा कि हमने तुम्हें बताया तुम्हारे क्राउन चक्र के बारे में, कह रहे यहाँ पे कोई एक्टिवेशन वैक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, इसको कोई एक्टिवेट नहीं करता। अगर कोई आप लोगों को आज भी बोलता है दोस्तों कि इसको एक्टिवेट किया जाता है, तो ये एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रा, बाकी लोगों का हमें पता नहीं। ये कहते हैं एक्टिवेट नहीं होता है, बोला जाता है ना उसे एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्राउन चक्र खुला हुआ होता है, उसकी स्कल कैप खुली हुई होती है, उसके अंदर भी सर के ऊपर से मक्खन और घी लगा लगा के बड़े आराम से प्यार से उसको 40 दिन तक वेट करते हैं बंद होने को। उसको कभी ना खोला जाता है ना एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि जिस दिन वो खुल गया या एक्टिवेट हो गया, वो इंसान सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। तो इसमें कह रहा है कि इस चक्र के अंदर ना तुम्हारी जितने भी वो इन्फॉर्मेशन होती है, सारी चीजें होती है, तुम्हारे चक्रों की इन्फॉर्मेशन होती है वो रजिस्टर होती है, तुम्हारी जो आइडेंटिटी होती है, जिस तरीके के तुम हो, किस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर है, क्या किस तरीके के तुम्हारे झुकाव है, वो वहां रजिस्टर होते हैं। कहते और वहां पे एक व्यक्ति की प्रॉपर जो वाइब्रेशन है, जो कंपनता होती है ना, वो कैलकुलेट होती है वहां से। कह रहे वहां पे जितने भी तुम्हारे चक्र होते हैं ना, उनका एक विबग्योर टाइप का सा बनना शुरू होता है, उसका एक रेनबो बनना शुरू होता है, उसके अंदर तुम्हारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। और ये इसने पहले के सेशन में भी बताया था। हम लोग कुछ एक दो सेशन पहले पत्थरों की बात बताई थी रा ने, तो इसके अंदर बताया है कि आपके कौन से चक्र के साथ कौन सा
क्रिस्टल जो है वो यूज हो सकता है उसको बैलेंस करने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए. रूट चक्र के लिए है रेड जैस्पर, सेक्रल के लिए है कार्नेलियन, सोलार प्लेक्सस के लिए है सिट्रीन, हार्ट के लिए है जेड, ग्रीन जेड, थ्रोट के लिए टर्कोइज है, अजना चक्र के लिए एमेथिस्ट है थर्ड आई के लिए, और क्राउन चक्र के लिए क्लियर क्वार्ट्ज है. तो अगर आप इसके ब्रेसलेट पहन सकते हो, इसे गले में पहन सकते हो, इसको मतलब अपने बेड के आसपास रख सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो. हाँ रूपाली कुछ कहना चाह रही है शायद. हाँ रूपाली मैडम, वो जो सहस्त्रार चक्र के बारे में जो अभी बोले ना, हाँ वो एक्चुअली ना जो उसको बोलते हैं वो पेटल्स रहते हैं, पेटल्स, हंड्रेड हंड्रेड पेटल्स बोलते हैं उसको, थाउजेंड थाउजेंड पेटल्स, पेटल लोटस, थाउजेंड, हाँ. तो वो एक्चुअली होते हैं, जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर ऊपर चढ़ती है ना, तो इट ओपन्स, वो वी कैन फील दैट, और उसमें उसमें से सिक्रेशन होता है. जो वो जो सिक्रेशन होता है वो कैसे होता है कि कोई हमारे सर पे हनी अगर पोर करेगा तो वो कैसे बहने लगेगा, इट विल एक्सपीरियंस लाइक दैट. तो हमारा जो रूट चक्र से जो एनर्जी चढ़ती है वो सीधा वहां तक पहुंचती है, वो एकदम से नहीं होती, बहुत थोड़े थोड़े. हाँ तो फिर वो जो है उसको भी ओपनिंग बोल सकते हैं ना सहस्रार चक्र का, उसको ओपनिंग नहीं कह सकते, उसको ओपनिंग नहीं कहेंगे, कुछ भी. आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो, रा ये कहता है कि एनर्जी नीचे से भी चलती है और ऊपर से भी आती है. तो जब वो एक्टिवेट, एक्टिवेट तो नहीं कह सकते, उसके अंदर जब वो कलर्स अच्छे बनने लग जाते हैं तो वो नीचे ड्रॉप करना शुरू करता है उसको, ताकि वो बैलेंस बनाए, बीच में हार्ट में जाके बैलेंस क्रिएट हो उसका. ओके ओके, ये कह सकते हो आप. आपको शायद वो वीडियो दिखाया था हम लोगों ने, इंसान की बॉडी जो है वो एक कमल के फूल के जैसी हो जाती है, अंदर की वो लाइट निकलती है, कमल का फूल बन जाता है वो, और जैसे ही वो कमल का फूल बनता है बंग करके एकदम से ऊपर जाता है और हवा में रेनबो बन जाता है फिर, और फिर इसी हवा में. और ये जो हम हमेशा क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, या तो फिर ये जो बोलते हैं ना कि मायाजाल, मोह, मायाजाल बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये वो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल उस तरीके से समझाते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्रिएटर है जो बोलते ना, ही इज ओमनीप्रेजेंस, तो हर जगह पे है, लेकिन हमको क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारे जो सेंसरी सिस्टम रहते हैं वो डाउन रहते हैं. तो जैसे जैसे अपने सप्त चक्र हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, अपने सेंसरी सप्त चक्र के ब्लॉकेजेस निकलते जाते हैं, नेगेटिविटी निकल के पॉजिटिव एनर्जी उसमें भरती है, तो अपने जो सेंसरी सिस्टम्स रहते हैं ना वो और इंटेंस हो जाते हैं, एंड जो पहले हम लोग फील नहीं कर पाते थे वो फिर धीरे धीरे कर पाते हैं. फिर अपना जो ये थर्ड आई है, जो थर्ड आई जो है वो जब ओपन होता है तो वो हमको रियलिटी दिखने लगती है. एंड बेसिकली माया जाल क्या है कि क्रिएटर है वो यहीं पे है, जब तक हम उसका लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, तो ये जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जब आपने भी पा एग्जांपल दिया था कि एक हाथ उसका अच्छा है और एक हाथ बुरा का है, तो वो कैसा है, वो उसमें जो है ना वो जो थॉट है ना कि नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड, क्योंकि हम जब नेगेटिविटी में रहते हैं या तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो जो उसका नेगेटिव हैंड है उसको एक्टिवेट करता है. रूपाली क्योंकि उस लेट अस फिनिश द चैप्टर, क्योंकि ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है एंड इट्स नॉट नीडेड हियर राइट नाउ. जाबो आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यस मैम, आई वांट टू आस्क. एक सेकंड जाबो मैम, एक सेकंड बाद में पूछें, खत्म कर ले उस, हां उसके बाद पूछ लीजिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं.
कोई बात नहीं, प्लीज कंटिन्यू। एक दो क्वेश्चन ही रह गए। हाँ, तो मैं, हाँ, प्लीज मैम उसको कंटिन्यू कर दी। हाँ ठीक है, तो फिर डॉन पूछता है कि मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर कोई हाईली पोलराइज्ड एंटिटी पोलराइज्ड टुवर्ड्स सर्विस टू अदर्स एंड इन अ हाईली पोलराइज्ड एंटिटी पोलराइज्ड सर्विस टू सेल्फ, व्हाट वुड बी टेकिंग ईच रे स्टार्टिंग विद देयर बी डिफरेंस। तो वो कहता है कि एक दो इंसान, एक जो सर्विस टू अदर्स की तरफ पूरी तरह झुकाव है जिसका, और एक इंसान जिसका पूरी तरह से सर्विस टू सेल्फ की तरफ झुकाव है, इनके जब चक्र एक्टिवेट होंगे तो मिसाल के तौर पे उनका रेड रे एक्टिवेट हुआ, तो उन दोनों में फर्क क्या होगा? मतलब रेड रे एक्टिवेशन में क्या फर्क होगा? तो कहने का मतलब मैम वो ये पूछ रहा है कि एक नेगेटिव एंटिटी का, एक नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति का और एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति का जो लाल चक्र है, उनमें क्या डिफरेंस होगा? वही तो कहा, हाँ, वही कहा मैंने, जवाब दे दो। हाँ हाँ वही है वो, तो मैंने बस शॉर्ट करके बता दिया। तो वो आगे कहता है, कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस इन इक्वली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज एज रिगार्ड्स इन रेड रे। कह रहा है कि ना ये, चाहे वो पॉजिटिव हो बहुत ज्यादा या नेगेटिव हो बहुत ज्यादा, उन दोनों के लाल चक्र में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों की ये देखो मैम, ये चीजें तो दोनों के अंदर होंगी ना, सर्वाइवल यानी जीने की इच्छा, डिजायर मतलब इच्छाएं, कन्फ्यूजन तो उनके भी रहेंगे इनके भी रहेंगे, सेक्सुअल डिजायर दोनों की रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों की सेक्सुअल डिजायर ना हो, या किसी किसी केस में पॉजिटिव वाले का होता है कि वो दबा देता है। बाकी के चक्र में मैम बाकी का उसने पूछा नहीं मैम, जितना पूछा उतना ही हमने बता दिया, वही सवाल है नेक्स्ट। अच्छा अच्छा ओके, कहता तो इसको हम बहुत छोटे में तुम्हें बताते हैं क्योंकि आखिरी सवाल है तुम्हारा। कह रहा था नेगेटिव रे पैटर्न इज द रेड ऑरेंज येलो मूविंग डायरेक्टली टू द ब्लू, दिस बीइंग ओनली यूज्ड इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। इन पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटीज द कॉन्फिगरेशन इज इवन क्रिस्टलीनली क्लियर एंड ऑफ द सेवन रे डिस्क्रिप्शन। वो कह रहे जो ये वाले नेगेटिव वाली सोच वाले जो होगा, इसका जो पैटर्न होगा ना वो इस तरीके का होगा, लाल ऑरेंज येलो, और ये ग्रीन वाला का जो हार्ट चक्र है उसको पूरे कोई बाईपास कर देगा, वहां लगा देगा गांठ, बाहर से निकल के सीधा ब्लू वाले चक्र में चला जाएगा और वहां से फिर इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को कॉन्टैक्ट करेगा ये, और ये मैम ब्लैक मैजिक के थ्रू ही हो सकता है, ये और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। कहता इन पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंटिटीज द कॉन्फिगरेशन इज इवन क्रिस्टलीनली क्लियर एंड ऑफ द सेवन रे डिस्क्रिप्शन। कह रहा है पॉजिटिव वाले के लिए जो हार्ट चक्र है ना, कह रहा है ये भी खुला होगा और अंदर के जितने भी चक्र है ना वो कांच की तरह चमचमाते हुए होंगे, मतलब रंग तो होंगे उनमें लेकिन कांच की तरह चमचमाते हुए क्लियर एकदम चमचमाते हुए होंगे, और सातों के सातों अच्छे से चमचमा रहे होंगे और बैलेंस होंगे। यही था मैम आज का लास्ट क्वेश्चन, अब पूछ लो मैम। क्या सवाल है आपका? जाबो हेलो जी, हेलो, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ गिनी मैम, अभी बट स्टिल इन रेस्ट। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड बहुत लंबा हो गया अनकंडीशनल लव। एक सेकंड रुकना मैम, एक सेकंड रुकना मैम, सेशन बहुत लंबा हो गया मैम, रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर दीजिए ये, वरना वहाँ यूट्यूब पे जाके बहुत लंबा होगा। हाँ हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी।